क्या कराची वालों का डेटा अगवा हो गया? के इलेक्ट्रिक से हैकर्स ने कितना तावान मांगा? डार्क वेब और डेटा अगवा होना आखिर क्या बला है? तमाम सवालों के जवाब जानिए कुछ देर बाद। लहसन में छुपे तिब्बी राज, गिरते बाल, कील, मुहासे, वजन कंट्रोल करने समेत अहम मसाइल का हल हम आपको बताएंगे आज 10 बजे से 11 बजे के दरमियान नया दिन में। अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक, आप देख रहे हैं नया दिन, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफताब। तो हमारी टॉप स्टोरीज आपने जानी, आज आपकी मालूमात होगी, आपके लिए मालूमात होगी बड़ी तरह तरह की, आपके इंटरेस्ट की, और साथ में खबरें भी। तो पहली खबर सऊदी अरब से, जहां गिरने वाला ऊंट के कोहान जैसा दुमदार सितारा, इसको अजायब घर में रख दिया गया। रियाद म्यूजियम में रखे गए सितारे का जो वजन है ना, ये करीबन 2.57 टन है। ये सितारा 1966 को जो रुबल खाली है, डेजर्ट है, यहाँ से दरियाफ्त हुआ था। बहुत बहुत दूर दूर तक फैला ये सहरा, वहाँ से ये मिला था। अब जो माहरीन है वो ये कहते हैं कि इम्कान है कि ज़मीन पर आने वाले वक्त में इसका जो वज़न था ना, ये आते वक्त इसका जो वज़न था वो 3.5 टन से भी ज़ायद रहा होगा। लेकिन ज़मीन पर गिरने गिरने तक फ़जा में ही इसके 4 टुकड़े हो गए थे, जो फिर अलग अलग जगह पर गिरे, और जो सबसे बड़ा टुकड़ा रहा वो सऊदी अरब में, यानी रुबल खाली में गिरा। जबरदस्त, अब इसे म्यूजियम में रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर मेरे पास है अमेरिकन स्टेट आर्कनसास से। यहाँ पर शिकारी ने तकरीबन 14 फीट लंबा मगरमच्छ पकड़ा है। जी हाँ, 2 घंटों तक कश्ती के आसपास ये मगरमच्छ उछलता रहा। 2 घंटे ना उसने सही नचाया, खूब डराया शिकारी ट्रेविस, इन्होंने निशाना लेकर उसे बेबस किया। आर्कनसास गेम एंड फिश कमीशन ने भी तस्दीक की है कि रियासत की तारीख का ये सबसे बड़ा मगरमच्छ है। इसका अगर वजन इसकी हम बात करें तो 800 पाउंड लंबाई, जिस तरह मैं बता चुका आपको, तकरीबन 14 फुट है इसकी लंबाई, यानी तारीख में सबसे लंबाई है। खतरनाक तो बहुत है, 2 घंटे लगे तभी काबू करते करते। ये आया काबू में कैसे, ये हमने आपको बताया। एक और खबर मैं अमेरिकन रियासत से आपके सामने रखती हूँ। टेनेसी से ताल्लुक रखने वाली एक खातून का तस्करा, क्योंकि इन्होंने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। पार्क में मौजूद था एक अखरोट का दरख्त, और फिर क्या हुआ जी, ये वहाँ गई 10 घंटे 5 मिनट तक लगातार इन्होंने इसको हग करके रखा, गले लगा के रखा। ऐसे बन गया जनाब रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आ गया। इससे पहले भी एक शख्स ने ऐसी एफर्ट की थी और दरख्त को 8 घंटे 15 मिनट तक गले लगाए रखा था। वो आलमी रिकॉर्ड अलग था और ये बिल्कुल अलग। क्या बात है, और ये जो खबर है किरण, इसको लाइव स्ट्रीम किया गया। अच्छा वैसे किरण, अगर मगरमच्छ की बात करें तब भी लगता है बहुत टाइम था भाईजान के पास, 2 घंटे लगे रहे इसे काबू करते करते। खातून की बात करें बहुत वेली थी, 10 घंटे ट्री को हक करके बैठी थी। बंदा पूछे भाईजान की हो गया। अच्छा वो, अच्छा ये यही सवाल लेकर बहुत सारे लोग भी पहुंचे। बाजी जी की हो गया, की हो गया। अच्छा खैर, किरण इससे पहले भी बहुत लोग फारिग रहे हैं, उन्होंने 8-8 घंटे ये रिकॉर्ड बनाने में टाइम लगाया। एनीवेज जी बढ़ते हैं आगे। बरेसगीर की लेजेंड अदाकार, अपने जमाने के रोमांटिक फिल्मों के शोहरत याफ्ता हीरो दिलीप कुमार, इनकी बात कर लें। टाइम हो गया जनाब, एक टाइम हो गया कि ये अपनी ही जगह पर है, अल्लाह सलामत रखे यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार को। अब आज उनको याद करने की वजह क्या है, मैं आपको याद दिलाती हूँ, हमने इसके ऊपर आपको अपडेट भी किया था। पेशावर में है इनका आबाई घर, इसकी यादें उन्होंने भी शेयर की और अपने जज्बात का इजहार किया। समाजी राबिते की वेबसाइट्स पर उन्होंने जब ये पिक्चर्स ट्वीट की, ऐसे तो हमेशा ये हुआ है कि सायरा बानो उनकी अहलिया वो थोड़ी सी एक्टिव रहती हैं और वो इनकी सेहत के बारे में बताती हैं, कभी कभी वो कोई पुरानी पिक्चर अपलोड कर लेती हैं। अब उस तस्वीर का की मोहब्बत तो उससे लगाओ अपनी जगह, और साथ में एक बीवी ने, एक हीरोइन ने अपने हीरो की पिक्चर पोस्ट की है, वो अपनी जगह। लेकिन ये पिक्चर उनके अकाउंट से पोस्ट हुई है, उनकी पुरानी यादें सारी की सारी ताज़ा हुई, किस तरह से उन्होंने तस्करा किया। फिर उसके बाद में फैंस ने उसके नीचे जाके और लिखना शुरू किया कि वो कितना प्यार करते हैं दिलीप कुमार से, वो कितना प्यार करते हैं उनकी यादों से। तो पिक्चर्स तो हैं, लेकिन साथ के साथ ये भी है कि लोगों के सामने ये भी वाज़े हुआ कि लेजेंड अदाकार
दिलीप कुमार अभी भी कितने कनेक्टेड हैं। यस, और किरण ज़रा जब वो शेयर कर रहे हैं तो अपनी पुरानी यादें वो शेयर करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम हिस्ट्री में जाएं कि जब वो यहाँ से इंडिया चले गए थे, यानी पेशावर से वो मुंबई मुंतकिल हो गए थे, अदाकारी के शोबे में अपने जौहर मनवा सकें इसलिए वहाँ पर शिफ्ट हुए। और ट्वीट में जब उन्होंने अपनी यादें शेयर की तो उन्होंने कहा कि वो एकदम से ना उस टाइम में चले गए हैं कि जब उनके वालिदैन, उनके दादा दादी, नाना नानी, उनके चचा, उनके कजन्स, वो सब वहाँ पर रहा करते थे। तो यानी वो उस टाइम को याद तो कर रहे हैं और वो कहते हैं कि उनकी आवाज़ वो उन्हें अभी इस वक्त कानों में गूंजती सुनाई दे रही है। यानी वो बिल्कुल उस टाइम पे पहुँच गए हैं। अपनी वालिदा के बारे में उन्होंने याददाश्त का तस्करा भी किया और कहा कि वो काफ़ी कमज़ोर थीं और हमेशा घर के बड़े से बावर्ची खाने में मज़ेदार से खाने बनाया करती थीं। और वो कहते हैं कि वो छोटे थे, यस माहौल याद है, वो कहते हैं मैं बड़ा छोटा सा था उस वक्त और अपने कामों से जब उनकी वालिदा फारिग होती थी तो उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरता था। वो कहते हैं मैं वेट करता था कि मेरी वालिदा जल्दी से फ्री हों किचन से और फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और जो कज़न्स के साथ उनका वक्त गुजरा उसके बारे में भी उन्होंने बात की और कहा कि मुझे वो कमरा भी याद है जहाँ हम ख़ानदान के तमाम बड़े छोटे इकट्ठा हुआ करते थे, स्पेशली कज़न्स इकट्ठा हुआ करते थे। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि वहाँ पर फिर हमें खूब खाना पीना होता था, बड़ी पार्टीज़ होती थी वहाँ पर। और उन्होंने कहा कि उन्हें ये तक याद है कि उनके दादा अपनी पीठ पर बिठाकर उन्हें सैर कराया करते थे। तस्करा किया था उन्होंने किस्सा खानी बाजार का भी, तो उन्होंने कहा वो किस्सा खानी बाजार का एक जो माहौल होता था शाम में बाजार बंद और कहानियाँ और बातें और किस्सों का आगाज, तो उन्होंने कहा कि वो जो वक्त था किस तरह से वो अपने चचा के साथ में, अपने दादाजी के साथ में, उनकी गोद में, उनके कंधे पे चढ़ के किस तरह से जाते थे, वो कहानियाँ भी उनको आज तक याद हैं। वो ये सब कुछ भी नहीं भूले। ये जिन मकामात की वो बात कर रहे हैं वो यहाँ पाकिस्तान में है, दिलीप कुमार यहाँ से कब के जा चुके, लेकिन अब जब उनका घर एक बार फिर खबरों में है तो किस्सा खानी बाजार का किस्सा भी उनको याद है, उन्होंने इस तरह से ये बताया। सज्जाद हैदर ने किरण बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट तैयार की है, वो दिखाते हैं। तो जनाब ज़िंदगी के सफ़र में अच्छी बुरी यादों का सिलसिला और कोई कोई याद बनती है भयानक, भयानक याद। और इसलिए भी भयानक, एक तो वाकया हो गया, सानिया ये है कि इस सिलसिले में कोई डेवलपमेंट ना हो सकी। मैं बात कर रही हूँ मोटरवे ज़्यादती केस की। इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, फौरी तौर पर हो, इसके जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, सज़ा दी जाए, फौरी तौर पर दी जाए, लेकिन ऐसा कैसे हो? अब ये इंप्रेशन मिल रहा है, अब ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि अफसरान की दिलचस्पी कम होती चली जा रही है। अब हुक्काम इख्तियारात के तनाज़े में उलझ कर रह गए हैं। 10 दिन से तहकीकाती टीम का इजलास भी नहीं हो सका। कितना इम्पोर्टेंट था इस सारी की सारी सिचुएशन में जल्द फैसलों का होना, जिम्मेदारों को पकड़ा जाना, और कितना इम्पोर्टेंट है अब इन तमाम तर मामलात पर काबू पाना। अब ये दो अहम सवाल हैं किरण, क्योंकि हमने देखा उस वाकये के बाद कौन था जो नहीं निकला, कौन था जिसने आवाज़ नहीं उठाई, कितने शोज़ हुए, कितनी बातें की गई, कितने दावे किए गए, लेकिन अब हुआ क्या? खामोशी। और ये खामोशी मुजरिमाना खामोशी है। इस खामोशी को तोड़ने की ज़रूरत है, एक्टिव होने की ज़रूरत है, इंतज़ामिया को एक्टिव होने की ज़रूरत है, हुकूमत को, और एक्टिव होने की ज़रूरत है पुलिस को, क्योंकि पुलिस ने कई छापे तो मारे थे लेकिन वो वहाँ से भाग गया था आबिद मली, इसको गिरफ्तार करना है। और जिसके बारे में CCPO साहब को नाम भी सही से नहीं पता होता। एग्जैक्टली, लाहौर से जहांगीर खान ने इस पर रिपोर्ट तैयार किया कि इन एक्चुअल इस वक्त क्या हो रहा है। यानी जब हम कहते हैं कि पुलिस भी खामोश है, इंतज़ामिया भी खामोश है, तो उस पर जहांगीर खान ने रिपोर्ट तैयार किया, देखते हैं। मोटरवे ज्यादती केस की तफ्तीश सर्द खाने में, मुलजिम आजाद मगर अफसरान तबादले की तगड़ो में लग गए। लाहौर पुलिस के अफसरान में इख्तियारात के तनाजे शिद्दत इख्तियार कर गए। हाई प्रोफाइल केस में तफ्तीश के तकाजे पूरे हुए, ना ही मरकजी मुलजिम का कोई सुराग मिल सका। ज़राए के मुताबिक पुलिस के 8 अफसर तबादले की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता 10 दिनों से मोटरवे ज़्यादती केस की तहकीकाती टीम का भी कोई इजलास नहीं हुआ। पुलिस ने खामोशी इख्तियार कर ली लेकिन सूबाई वुज़रा अभी तक जल्द गिरफ्तारी के दावों पर कायम हैं। आबिद मली इंशाल्लाह गिरफ्तार होगा और वो जिधर भी छुपेगा 26-27 टीमें हैं उसके पीछे हैं और तकरीबन 3 दफ़ा जो है वो उसको उसके पास पहुँचने के बिल्कुल करीब हुए और वो भाग गया, लेकिन आबिद मली इंशाल्लाह गिरफ्तार होगा। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुतअद्दिद छापे नाकाम हो चुके हैं। आबिद अली को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, तमाम हरबों के बावजूद पुलिस को कामयाबी नहीं मिल सकी। और अब जिक्र एक ऐसे जुल्म का जिसे सुनकर रूह कांप जाए, जिसे महसूस करके जिंदगी फना हो जाए, पर मोदी के देश में ऐसे जुल्म अब आम से लगते हैं। भारत में बसते मुसलमानों बाद में गली गली मकबूजा वादी जैसी सिचुएशन,
और बात यह है कि इंसानियत का पास नहीं है, बात यह है कि दिल में दर्द नहीं है, बात यह है कि ख़ुद को आला और अरफा जाना, ये अगर रुझान रहेगा तो आप जालिम ही रहेंगे, मज़लूम मज़लूम ही रहेगा। भारत का बढ़ता जुल्म उन लोगों पर जो उनके कहने के मुताबिक उनके अपने हैं, और भारत का बढ़ता जुल्म उन लोगों पर कि जो उनके ज़ेर साए हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर है। ऐसा कहीं से रिपोर्ट नहीं हो रहा कि कोई मुतमईन हो, किसी को गुस्सा ना हो, किसी को गम ना हो। इस सारी की सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। अहलिया यासीन मलिक, मशाल मलिक हमको ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? प्लीज़ आप इस पर कमेंट करेंगी। पुलिस का इंतहाई ज़ालिमाना रवैया, एक के बाद एक वाक़यात, वो बड़े बड़े लेवल के भलवे हो या फिर एक छोटा सा मामला हो, ये मुझे ये देखिए ना, ये छोटा मामला इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि ये बलवे की बात हो रही है और एक फैमिली को डैमेज करने की बात हो रही है। जुल्म की इंतहा देखिए, केस को दबाने के लिए फैमिली को बताया नहीं जाता, लाश को जलाया जाता है, उस बच्ची की आखिरी रसूमात अदा कर दी जाती हैं, पुलिस फैमिली को मारती है उनको तसल्ली देने के बजाय, उनको इंसाफ दिलाने के लिए तहकीकात करने के बजाय। मतलब कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जिसमें आप ये कहें कि कहीं इंसाफ डिलीवर हो सकेगा, ये कुछ हो रहा है तिरंगे के नीचे इनके यहाँ। देखिए, इतनी इंटॉलरेंस है वहाँ जो कुछ माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जब एक पूरी एक फैशिस्ट रिजीम बन गई है और वो एक आरएसएस की आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं और शिवसेना टाइप की थिंकिंग जो हिंदुत्व की है, और क्योंकि आरएसएस हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सैफ्रॉन टेरर CIA ने नाम दिया था, और वो न्यूमरस डेकेड्स में इन्वॉल्व रही है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, माइनॉरिटीज़ को ख़ासतौर पर टारगेट किया है, चाहे चर्चेज़ को बर्न करना, चाहे मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो एंटी माइनॉरिटी बिल्स, चाहे बाबरी मस्जिद के ऊपर एक मंदिर की तामीर करना, बहुत से इकदाम हैं। और लोकल इंडिविजुअल सतह पर भी जो टारगेटिंग, जिस तरह ये केस है, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, वहाँ की पुलिस, वहाँ की आर्मी, सबके अंदर ये नैरेटिव जो है हिंदुस्तान की सरकार ने उनके अंदर ये रच बस किया है कि उन्होंने इंटॉलरेंस के साथ, उन्होंने फैसिज्म के साथ, उन्होंने नाजी की पॉलिसी को लेके अवाम को इन्होंने डराना है, धमकाना है और हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है। सही, मशाल साहिबा, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इनके मुताबिक ये जो बरादरी सिस्टम है भारत में, वहाँ पर दलित परेशान हैं। उनकी रिपोर्ट है ये कि हर साल हज़ारों दलित ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, जिनकी इज्जतें लूटी जाती हैं। ऐसे ज़ालिमाना इकदाम के खिलाफ कोई कुछ करता क्यों नहीं? इवन विद इन द स्टेट कोई कुछ नहीं कर रहा? देखिए, बदकिस्मती की बात है कि दलित्स को इवन बिफोर मोदी केम इन टू पावर, मगर वहाँ पे कास्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, और जिस तरह दलित्स का लाखों करोड़ों में वोट है, मगर उनको हर दफ़ा यूज़ किया जाता है, उनको जैसे कि अनटचेबल्स कहा जाता है, कि उनको मतलब अछूत उनको कहा जाता है, उनके कोई लॉज नहीं है, उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उनकी औरतें क्या बच्चों के साथ, जो उनके मर्दों के साथ जिस तरह उनको ट्रीट किया जाता है, जानवरों से बदतर वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनको बहुत ही बहुत ज़्यादा अजाब से गुजरना पड़ता है। उनकी भी मूवमेंट बड़ी अब स्ट्रांग हो रही है दलित्स की। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब तक ये राइज खुद नहीं करेंगे एज अ कम्युनिटी, क्योंकि इनको एज अ कम्युनिटी, एज अ सेक्ट टारगेट किया जाता है, तो इनका इनका मैं नहीं समझती कि इनका कोई फ्यूचर में कोई एग्जिस्टेंस रहेगी, जिस तरीके से इनकी भी एथनिक क्लेंसिंग की जा रही है। मशाल, 2012 में होता है दिल्ली रेप केस, जिसके बाद पूरा भारत सड़कों पर निकला, बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, और फिर उसके बाद में भी ये देखा गया कि केसेस में कमी नहीं आ रही, इंसाफ दिलाने के प्रोसेस में तेज़ी नहीं आ रही। इस सब की वजह आपको क्या दिखाई देती है? कि इसकी वजह यह है कि इनका वीक लॉ एंड ऑर्डर है, और जब इनकी अपनी सरकार जो है वो ग्लोरीफाई करती है रेपिस्ट को, और रेपिस्ट को बहुत से हैं जो कि इन पावर में हैं, जो इन्वॉल्व रहे हैं, ऐसी एलिगेशंस हैं उनके ऊपर, और जिन्होंने बहुत गलत इनके बहुत ही औरतों के ख़िलाफ़ बयानात दिए हैं, औरतों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है उनके उनकी थिंकिंग के अंदर, और रेपिस्ट ख़ुद पावर में हैं उनके बहुत से जो इन्वॉल्व हैं, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि ऐसी रिजीम जो है वो औरतों के हक में कोई जस्टिस प्रोवाइड कर सकती है, बल्कि उल्टा औरतों को ही ब्लेम किया जाता है कि हाँ हाँ वो निकली क्यों बाहर, के उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। और वहाँ पे तो हर जगह
रेप ही रेप के इंसिडेंट्स आ रहे हैं, ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, चाहे फीमेल्स पे अब्यूज हो, वहाँ पे जो सेक्सुअल जो अब्यूज की तादाद इतनी ज्यादा है और कोई जस्टिस सिस्टम नहीं है वहाँ पे कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, तो विमेन फोक वहाँ पे एक्सट्रीमली अनसेफ है। बल्कि इंडिया को रेपिस्तान का भी टाइटल दिया जाता है अनऑफिशियली बहुत जगहों पे दुनिया भर में कि इट्स अ वेरी अनसेफ जोन, जहाँ पे टूरिस्ट के लिए भी सेफ्टी के लिए कॉशस जो है वो साथ टैग किया जाता है। बिल्कुल मशाल, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द वीक जस्टिस सिस्टम, और इसकी एग्जाम्पल रिसेंट हमने देखी बाबरी मस्जिद की शहादत के केस में, जो जालिमाना फैसला वहाँ से दिया गया, ऐसे बहुत से फैसले वहाँ से आए हैं, वहाँ की कोर्ट से आए हैं, जिससे मालूम ये होता है कि वो जो कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, कोर्ट डिपेंडेंट है। अब जब हम ये वाले मामलात देखते हैं, वीक जुडिशल सिस्टम, आपको नहीं लगता कि ऐसे मामलात देखने के बाद जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, उनको कोई एक्शन लेना चाहिए? कब तक हम वेस्टेड इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देंगे? देखें, ये जो कुछ मकबूजा जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, ये बहुत ही, जितना भी इसकी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन हो जाए वो कम है, क्योंकि हाईएस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया जा रहा है, एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है बकायदा, बाय स्ट्रेटजी, बाय डिज़ाइन की जा रही है, और जेनोसाइड का एक डेथ वारंट हिंदुस्तान ने इशू कर दिया है पिछले साल 5 अगस्त को, जो उन्होंने जो घिनौना एक्ट कमिट किया एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू, उन्होंने कश्मीरियों को स्टेटलेस कर दिया, रेफ्यूजी बना दिया, पहले उनकी ऑक्यूपेशन थी वहाँ पे, कब्जा करी थी, अब हिंदुस्तान की आवाम को वो लाइसेंस दे दिया गया कि जाओ उनकी ज़मीनों पर, उनके सारे हकूक जो हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हैं, सोशो पोलिटिकल, सारे के सारे राइट्स ऑफ एग्जिस्टेंस उनकी आइडेंटिटी के उन्होंने छीन लिए हैं। तो मैं ये समझती हूँ जो एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी जिस तरीके से उन्होंने वहाँ से बाहर निकाला है, उनके खिलाफ जो हरासमेंट की है, जो उनके ऊपर झूठे टैक्स लगाए हैं, स्मॉल डोनर्स जो डोनेट करते थे एमनेस्टी को, हर लिहाज से उनको हरास किया गया है, उनकी उनकी जितनी भी जो रोल है उनका टू इन्वेस्टिगेट, टू प्रोब ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, या उनकी जो इंडिपेंडेंट स्टडीज हैं उसको टारगेट किया गया है, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट्स खुल के की हैं ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के ऊपर मकबूजा कश्मीर में और इंडिया में माइनॉरिटीज का हाल हो रहा है। तो इसलिए वहाँ पे जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी इस वक्त चल रही है, ये हिंदुस्तान अपने पैरों पे खुद खुलाड़ी मार रहा है, जिस तरीके से वो वहाँ पे ऑलरेडी जहाँ पे मूवमेंट्स चल रही हैं इतनी ज़्यादा इंतशार की ऑफ इंडिपेंडेंस की, तो वहाँ पे जितना वो बड़ा मुल्क है उतना ही तेज़ी से इसको तोड़ रहे हैं, और कश्मीरियों की तो मुकम्मल तौर पे उनको लॉकडाउन में रखा हुआ है, एक साल से सीज चल रही है, भूखे प्यासे उनको मारा जा रहा है, लीडरशिप को इस वक्त जेलों में बंद किया हुआ है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे चल रहे हैं। मशाल साहब बहुत शुक्रिया साथ में, और इन एक्चुअल भी सिचुएशन यही है कि कोई इंडिविजुअल हो, कोई कम्युनिटी हो, कोई फोरम हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी मोदी सरकार की नासाफियों को रिपोर्ट करेगा वो मोदी सरकार के ही निशाने पर होगा। तो अब मेरे ख्याल में एक जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे ना तो फिर उसके बाद में आपको बताएंगे कि बच्चों को क्या परेशानी और कुछ और खबरें भी आपके सामने रखने के लिए हमारे साथ रहे। ब्रेक के बाद जरा सी मौसमी तब्दीली छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़ी परेशानी ले आई। फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में बीमार बच्चे बड़ी तादाद में हैं। खुश्क मौसम क्या रंग दिखा रहा है, शाहीन शहजादी इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं। मौसम ने करवट ली, फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल दर्द से बिलबिलाते बच्चों से भर गया। खांसी, नजला, जुकाम में मुब्तला रोजाना 1500 से जायद बच्चे अस्पताल पहुंचने लगे। बीमार बच्चों को संभालने में हलकान वालदैन मौसम के बेहतर होने की दुआएं मांगने लगे। अगर बारिश हो जाए तो बारिश की वजह से ये मौसम जो है वो ठीक हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला फिर ये बच्चों की बीमारी में थोड़ी कमी आ जाएगी। डॉक्टर्स कहते हैं बच्चों में ज्यादा दिनों तक मौसमी बीमारियों की अलामत खतरनाक साबित हो सकती है। जब भी आपको वायरल बुखार होगा तो उसकी आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी, वो तो मुदाफ़त कम हो जाएगी, फिर हर किस्म के जरासीम को मौका मिल जाता है उस इन्वेड करने का, उसमें फिर वो डेंगू का जरासीम भी आ सकता है, उसमें कोरोना का जरासीम भी आ सकता है, जब पेपर में जाएगी तो फिर ये ख़राब के नमूनिया की शक्ल तैयार करने की। पेट की बीमारियों के लिए बॉयल्ड पानी इस्तेमाल करें। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मौसमी बुखार का शिकार हो रहे हैं।
बदलते मौसम ने बच्चों को अजियत में डाल रखा है। डॉक्टर्स कहते हैं बच्चों की तकलीफ कम हो सकती है अगर वालदैन एहतियाती तदाबीर अपना लें। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ शाहीन की आज़ादी, समा, फैसलाबाद। और अब आपको मिलवाते हैं सवात के एक ऐसे तालिब इल्म से जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में धूम मचाई है, बल्कि कह सकते हैं कि धूम अभी और मचाएगा। कई मॉडल्स बनाने वाला वसीउल्लाह नाबीना अफराद के लिए जूतों में ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका है। वेरी डिफरेंट, ओके, महदूद वसाइल इनके, लेकिन अभी फिर भी वो चाहते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि मजीद तजरबात करें, अगर स्पॉन्सर हो, थोड़ा सा कोई स्पॉन्सर मिल जाए, कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाए, तो फिर उसके बाद में ये एक्सपेंड कर सकेंगे, अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो कितने टैलेंटेड ये हैं, हम कोशिश करते हैं कि इसी सिलसिले में आपको बताएं। हम क्या बताएंगे, हम शहाबुद्दीन की तरफ चलते हैं, वो हमें इस स्टूडेंट से मिलवाएंगे। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, स्वात के नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं, सच कर दिखाया है स्वात की वादी मालम जब्बा के एक पसमानदा गांव बालाकोट के नौजवान वसीउल्लाह ने। वसीउल्लाह ने कम उम्री में ही कई मॉड्यूल्स बनाए हैं और कई इलेक्ट्रॉनिक आलात भी बनाए, कामयाब तजुर्बात भी किए हैं। वसीउल्लाह से बात करते हैं। वसीउल्लाह, कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी जमात में पढ़ते हैं और अब तक कौन कौन से मॉड्यूल्स बनाए हैं? जी, मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल किशावरा में क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ। जब मैं क्लास 7 में था तो मैंने एक स्वेटर देखा, फिर मैंने लकड़ी और तांबे इस्तेमाल करके एक स्वेटर का मॉडल बनाया, फिर मैंने ये रोबोट और टैंक भी बनाए। अच्छा, बताएगा कि ये कौन से प्रोजेक्ट है जिस पे अभी आप या काम कर रहे हैं या मुकम्मल हो चुके हैं, तो ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? ये लाइट विजिबल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि लाइट के जरिए डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, और जो मेरा एडवांस प्रोजेक्ट है वो स्मार्ट शूज़ है जो कि थर्ड आई फार ब्लाइंड है। ये 120 सेंटीमीटर में नाबीना अफराद को अलर्ट करेगा कि आगे कोई ऑब्स्टिकल है तो आसानी से चल सकता है। अच्छा, ये भी बताएगा कि अभी और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम करना चाहते हैं और क्या मुश्किलात दरपेश है? जी, मैं हाई सिक्योरिटी पार होम प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता हूँ जो कि उसका काम है कि अगर घर में कोई हादसा हुआ तो वॉइस मैसेज के ज़रिए उनको पता चल जाएगा कि ये हादसा होने वाला है। अच्छा, तो क्या मुश्किलात दरपेश है आपको इन प्रोजेक्ट्स की तकमील में? जी, वसाइल न होने की वजह से मुझे मुश्किलात का सामना है, अगर हुकूमत मेरे साथ मदद करे तो मैं ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकता हूँ। वसीउल्लाह की बातें आपने सुनी, हौसला तो बुलंद है और कई एक प्रोजेक्ट्स पे काम करना भी चाहता है, लेकिन उसका ये कहना है कि वसाइल की कमी है, अगर हुकूमत उसे सपोर्ट करे, उसे उसकी सरपरस्ती की जाए तो वो कई एक प्रोजेक्ट्स बना सकता है। बहुत शुक्रिया सैयद शहाबुद्दीन, आप इस सिलसिले में बता रहे थे। आजकल लाहौर में ना पहली बार कुछ हो रहा है, मैं वो भी बता देती हूँ। चमड़े पर बड़े जदीद अंदाज के साथ कैलीग्राफी की जा रही है और फिर मुख्तलिफ अशिया हमारे सामने आ जाती हैं जिन पर इस फन को आजमाया जाता है। तो आर्टिस्ट क्या क्या कुछ कर रहे हैं, सिदरा गयास बता रही हैं। फन्ने खताती एक तख्लीकी काम है और इसे एक मुनफरिद रंग दिया है जाहिद म्यो और उनके साथियों ने, जो चमड़े पर कलम से नस्तालीक खत में खूबसूरत कैलीग्राफी करते हैं। इंसान शुरू से ही जो है ना चमड़े के साथ इन्वॉल्व है हर तरीके से। हम लोकल मटेरियल्स को यूज करें, लोकल जो सकाफत है हमारी उसको इस्तेमाल करके हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो हम इंटरनेशनल मार्केट में भेज सकें। चमड़े की कटिंग के बाद इस पर कैलीग्राफी की जाती है और फिर खत को महफूज करने के लिए फिक्सर और वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेडीज बैग, लेदर वुड बैग, ड्रॉप लेग बैग और मशकीजे समेत कई अशिया इन हुनरमंदों ने तैयार की हैं। इस फन से मुंसलिक अफराद के मुताबिक ये खासा मेहनत तलब और तख्लीकी काम है जिसे वो जदीद अंदाज दे रहे हैं। आर्टिस्टों का कहना है चमड़े पर खताती को जदीद रंग देकर फन को मुनफरिद अंदाज में पेश कर रहे हैं ताकि नई नस्ल को अपनी सकाफत से रूशनास करवाया जा सके। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ सिदरा गयास, समा, लाहौर। तो जनाब, जल्दी से आपको जरा पाकिस्तान के बाहर से कुछ खबरें दे देती हूँ, एक दो है बस, ज्यादा नहीं है, सुन लीजिए भाई। दुनिया, मनुष्यात की दुनिया में बॉस के नाम से मशहूर कौन? ये डॉन है।
पेब्लो एस्कोबार। इनके खुफिया ठिकाने से भतीजे को 18 मिलियन डॉलर्स की खतीर रकम मिल गई। खुफिया ठिकाना कोलंबिया के शहर में पेब्लो के उसी घर के अंदर वाक़ था जहां वो कई बरस तक मुकीम रहे थे। अब जो खुफिया हिस्सा था ना, रकम के अलावा भी यहां से काफ़ी कुछ मिला है। सोने की ईंट इसमें शामिल, वायरलेस इसमें शामिल, मुख्तलिफ डिवाइस यहाँ पर शामिल, टेप रिकॉर्डर यहाँ से मिला, एक टाइप राइटर भी यहाँ पर था, पेन भी था और एक कैमरा भी यहाँ से मिला। तो इस तरह से यहाँ पर ये बहुत कुछ सेफ भी करते थे और यहाँ से नेटवर्क भी चला रहे थे। जी जी, ये काफ़ी कुछ मिल गया इनको वहाँ पर। चलिए अब एक और खबर मेरे पास ये है कि अगर आपकी उम्र थोड़ी सी भी ज़्यादा है तो आपने ना टॉफ़ी खाते हुए बड़ी एहतियात करनी है। कौन सी टॉफ़ी आप खा रहे हैं? क्योंकि करंट खबर है अमेरिका से कि 54 साल शख्स चंद हफ्तों से रोज़ाना टॉफियों से भरा आधा पैकेट खा रहा था और रोज़ाना ऐसा करने से उनकी हरकतें कल्ब बंद हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक ये मीठी चीज़ों में जो ब्लैक लिकरिश होता है ये जिस्म में मौजूद दीगर नमकियात के तवाजुन को बिगाड़ देता है। मरने वाले शख्स ने चंद हफ्ते कबल ही अपनी टॉफ़ीज़ का फ्लेवर तब्दील कर ब्लैक लिकरिश फ्लेवर की टॉफ़ीज़ उन्होंने खाना शुरू की थी। तो आज सुबह जब हम आए तो मैं किरण डिस्कस करते हैं जो ब्लैक लिकरिश है ये वैसे ना जनरली 40 ईयर्स के अगर ऊपर आपकी एज है और अगर कोई भी आपको हार्ट इश्यू है तो आप ऐसी कोई टॉफ़ी ऐसी कोई मीठी चीज़ ना खाएं जिसमें ब्लैक लिकरिश हो। भाई वैसे भी आपको अपने लाइफ स्टाइल पर ध्यान देना चाहिए एक सर्टन एज पर जाने के बाद में। पहले से देने बहुत अच्छी बात है और बहुत सारे फैसले भी होते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी से, आपकी उम्र से और आपके आसपास के मामला से जुड़े होते हैं। शादी का मामला भी उनमें से एक है। तो ये शादी कोई आम शादी नहीं है जिसका मैं तذکرہ करने जा रही हूँ और ये शख्सियत भी कोई आम शख्सियत नहीं है। ये तो अपनी मीरा जी हैं और उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। अब जब मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने फैसला कर लिया तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कहिए कि एक बार फिर से शादी का फैसला कर लिया, क्योंकि जहाँ मीरा वहाँ खबरें। लेकिन इस बार खबर बस इतनी है कि उन्होंने शादी का फैसला किया है, दूल्हा कौन ये नहीं बताया। फिल्म स्टार मीरा मान गईं, अदाकारा ने शादी का फैसला कर लिया। बहुत जल्द बताऊंगी। कोई है कंपेनियन? है कंपेनियन नहीं है ना। पहला प्यार क्यों दूर हो गया मीरा ने ये भी ना छुपाया। जो कंपेनियन है वो मीडिया ने दूर कर दिया है। अच्छा, आप लोगों की मेहरबानी। कंट्रोवर्सीज ने कंट्रोवर्शियल इतना बनाया गया कि मेरी पर्सनल जिंदगी पर बहुत ज़्यादा मेरी पर्सनल ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा फायरिंग की गई, बहुत ज़्यादा तूफान और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। मीरा ने कहा पाकिस्तानी ख्वातीन को अपने लिए खुद बोलना चाहिए। ख्वातीन के सब्जेक्ट पर बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन मुझे टाइम चाहिए। क्योंकि आपने चार चीज़ें पूछी हैं कि चार ऐसे कौन सी चीज़ें जिनको हाईलाइट किया जाए, जिनके ऊपर काम किया जाए। मीरा ने यह भी बता दिया क्या वो रिवायती अंदाज के बजाय नए अंदाज में सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री मारेंगी। तो ये तो उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हों, ऐसा हो नहीं सकता कि सवाल कुछ है और जवाब बिल्कुल कुछ और घुमा के आ जाए। मीरा जी है जी, ये तो होकर यही हुआ। सवाल हुआ था गंदम और जवाब मिला आटा। आटा ऐसे तो मिला। आसान एक साथ पर जी जी हालात की वजह से इंडस्ट्री के जो हालात हैं, तो जो हालात हैं फिल्म इंडस्ट्री के, मेरी जिंदगी आसान कर दें, मेरी जिंदगी आसान कर दें। हाँ, अब इस तरह की बातें नहीं हो, हमेशा आप मुझे उर्दू भी सिखाते रहते हैं। सीखने में कोई बुरी बात नहीं है, सीखना चाहिए। सवाल कुछ, जवाब कुछ, खबर कुछ, लेकिन लीक जरूर वो खुद ही कर देती हैं। अभी देखिए आधी खबर दी ना, आधी खबर खुद ही लीक कर दी। वैसे मीरा जी बता देती हैं फौरन। वो तो मीरा जी हैं, लेकिन जहां तक लीक की बात है, आजकल वैसे ना लीक्स का सीजन है। अरे चले जा रहा है। लीक्स की बात हमने चंद रोज पहले की थी, लेकिन आज जिसकी हम बात करें वो है कि क्या कराची वालों का डाटा लीक हुआ है। कुछ रोज़ पहले हैकर्स ने के इलेक्ट्रिक पर हमला किया था, जिसके बाद सारिफिन को ऑनलाइन बिलिंग और डुप्लीकेट बिल निकलवाने में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, ये इतलात हैं। उस वक्त ये कहा गया कि हैकर्स ने रकम अदा ना करने की सूरत में खुफिया दस्तावेजात पब्लिक करने की धमकी दी थी, लेकिन के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि साइबर हमला किया गया लेकिन सिस्टम की हिफाजत को यकीनी बना लिया गया है। साइबर एक्सपर्ट राफे बलोच ने यह दावा किया है कि हैकर्स ने डाटा डार्क वेब पर अपलोड कर दिया है, कुछ डाटा जारी कर दिया है। वो कितना सेंसिटिव डाटा
है इस पर भी बात करेंगे। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट राफे बलोच ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया, लेकिन इससे पहले कि हम राफे से बात करें, तर्जुमान के इलेक्ट्रिक नूर अफशां साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। उनसे हम बात कर लेते हैं कि उनका मौकफ क्या है। नूर अफशां साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्लीज जरा कंफर्म कीजिएगा, क्या वाकई ऐसा हुआ है के इलेक्ट्रिक का डाटा हैक हुआ है? कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो कि सारिफिन की भी हो सकती है, वो के इलेक्ट्रिक इटसेल्फ की भी हो सकती है, वो लीक हुई है, वो हैक हुई है? बिल्कुल, इस महीने के शुरू में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था कि इलेक्ट्रिक के साइबर सिस्टम्स के ऊपर एक अटेम्प्ट हुआ था टू ब्रीच द सिस्टम। एज अ प्रिवेंटिव मेजर हमने अपने सिस्टम को खुद आइसोलेट किया था, जिसकी वजह से हमारी चंद सर्विसेज आरजी तौर पर अवेलेबल नहीं थी हमारे सार्फिन के लिए, लेकिन उसके हमने ऑल्टरनेट सिस्टम्स भी इंश्योर किए थे। के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट कतन हैक नहीं हुई थी, हमने अगेन जैसे कि मैंने कहा कि उसको आइसोलेट किया था ताकि हमारा डेटा इंटैक्ट रह सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि तमाम कस्टमर्स का और वॉइस का डेटा इज एब्सोल्युटली सिक्योर, कोई उसकी ब्रीच नहीं हुई है। हमने इमीडिएटली इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स को भी कंसल्ट किया है इस सिचुएशन के लिए, और उनकी रिकमेंडेशंस को भी हम अप्लाई कर रहे हैं। एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बाद हम कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर और एम्प्लॉई डेटा है दैट रिमेन सेफ। नूर अफशां साहिबा, इसको थोड़ा सा प्लीज़ क्लियर कीजिएगा। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ डेटा शेयर हो रहा है और इसके मुताबिक हैकर्स ने के इलेक्ट्रिक का डेटा डार्क वेब पर अपलोड कर दिया है, क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्या वाकई आप लोगों से हैकर्स ने डेटा के बदले तावान मांगा था? क्या वाकई ऐसा हुआ था? जी नहीं, हम किसी के साथ भी किसी किस्म की नेगोशिएशन या डिस्कशन में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी डिफेंसेस बेहतर कर रहे हैं, और कोई सिग्निफिकेंट डेटा लॉस जो कहते हैं कि कस्टमर के एंड का या एम्प्लॉई के एंड का नहीं हुआ। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि एक इंसिडेंट हुआ ज़रूर, लेकिन कोई डाटा बाहर लीक नहीं हुआ, आपका बैकअप सिस्टम बड़ा स्ट्रांग था, इसलिए आपने चीज़ों को बेहतर कर लिया। थैंक यू सो वेरी मच, साथ मौजूद थी आप। राफे की तरफ चलते हैं, प्लीज थोड़ा सा हमें समझाइए। देखिए, खबर है, तरदीद भी है, लेकिन पहले हमें ये समझाइए कि ये आप लोगों को ना पॉइंटर्स क्या क्या मिलने शुरू हुए और इसके इम्पैक्ट क्या है, थोड़ा सा इसको ब्रीफ कीजिएगा दोनों सवालों को, दोनों पहलुओं को। लेकिन सबसे पहले ये है कि अर्ली सितंबर में bleepingcomputer.com के नाम से एक बड़ी क्रेडिबल वेबसाइट है जो रैनसमवेयर से रिलेटेड साइबर अटैक्स की कवरेज करता है। उस वेबसाइट ने ये खबर जारी की कि के इलेक्ट्रिक को नेटवॉकर के नाम से एक रैनसमवेयर है जिसने बेसिकली उसके नेटवर्क को इन्फेक्ट किया है, एंड इट इज़ थ्रेटनिंग टू पब्लिश इट्स डाटा। उसको इनिशियली के इलेक्ट्रिक ने उसकी तरदीद की, लेकिन ब्लीपिंग कंप्यूटर के बाद और बहुत सारी वेबसाइट्स ने भी जो है ना इसको कवरेज दी। तो रैनसमवेयर जो है ये इज़ अ काइंड ऑफ एन अटैक वेक्टर, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि अटैकर्स क्या करते हैं कि आपके नेटवर्क को, आपके कंप्यूटर्स को लॉक करते हैं, और लॉक करने के बाद वो पेमेंट डिमांड करते हैं। अब बहुत सारे कंपनीज होती हैं जिनके पास बैकअप्स के अच्छे सिस्टम्स मौजूद होते हैं, तो वो अपने जो डाटा उनका लॉक हो चुका होता है तो उसको वापस रिस्टोर कर लेते हैं, उसमें कुछ टाइम लगता है। इन केस अगर उनके पास नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली दे आर कंपेल्ड टू पे द रैनसम। बट इन दिस केस, क्योंकि इनका बैकअप स्ट्रांग था, इसका मतलब है अगर किसी ने तावान मांगा भी था और उन्होंने डिनाई किया, वैसे तो तरदीद की है उन्होंने, कैसा कोई मामला हुआ नहीं, ना कोई नेगोशिएशंस हैं, बट जस्ट इन केस अगर किसी भी कंपनी का बैकअप इतना स्ट्रांग है और किसी ने उनका कंप्यूटर लॉक किया, रैनसम मांगा, तो ये एक एज पे होते हैं। जी देखें, इसमें ना डबल एक्सट्रॉशन स्कीम होती है। अच्छा, इसमें कहते हैं कि इन केस अगर उनके पास बैकअप भी है तो वो क्या करते हैं, कुछ डाटा डंप कर लेते हैं, उसके बाद बेसिकली वो डाटा पब्लिश करते हैं। तो इन केस अगर बैकअप भी है तो उसके बाद भी डार्क वेब के ऊपर ये डाटा जो है ना पब्लिश होता है। अब नेटवॉकर के नाम से जो रैनसमवेयर ग्रुप है उसकी एक स्पेसिफिक वेबसाइट है डार्क वेब पर, जिस पर वो जितनी वेबसाइट्स हैं जो या कंपनीज हैं जो रैनसम पे नहीं करती उनका डाटा जो है वो लीक करें। ओके, और उसी वेबसाइट के ऊपर जो है मुबैना तौर पर लग रहा है कि के इलेक्ट्रिक का जो डाटा है वो लीक किया गया, और इनिशियली इनसे $3.85 million की रकम मांगी गई। इस पर राफे, आई एम सॉरी, इस पर नहीं जाते कितनी रकम मांगी गई, बिकॉज वहाँ से तरदीद आ गई, लेकिन हम डाटा पर जरूर रहते हैं। ब्लीपिंग कंप्यूटर की रिपोर्ट के मुताबिक, उसके मुताबिक ओके, $3.85 million की जो है रकम मांगी गई। उसके बाद इनकेस अगर वो मतलब पे नहीं होगी तो फिर 7 days का टाइम था कि वो रिपोर्ट, वो जो है ना अमाउंट जो है डबल हो जाएगी। लेकिन ये जिन्होंने क्लेम किया है इनकी ऑथेंटिसिटी है? जी,
नो मोर रैनसम डॉट ओ आर जी के नाम से एक प्रोजेक्ट है, यूरोपोल ये प्रोजेक्ट चलाता है, उसके पार्टनर्स भी हैं। 2004 से जो है ना ये वेबसाइट जो है रन हो रही है। अब जो इन्होंने बयान दिया है स्पेसिफिकली जो इनके नुमाइंदे ने, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। इन्होंने स्पेसिफिकली उस डार्क वेब की इंफॉर्मेशन की तरदीद नहीं की। ओके, या तो ये तरदीद करें कि जो डार्क वेब के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई। फिर ये जब फॉरेंसिक एनालिसिस करवा रहे हैं तो फॉरेंसिक जो एनालिसिस है वो एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट कोई इदारा है जो फॉरेंसिक करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी अपनी अपना डाटा ब्रीच हुआ है तो आपकी कोशिश होगी कि यू वुड वांट टू हाइड थिंग्स अंडर द कारपेट। तो इसकी इंडिपेंडेंट जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, SEC के जो भी रेगुलेटर है उसको इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के रेगुलेटरीज जो है वो मुतहरिक हो जाए, इंक्वायरी हो, ये एक अलग मामला है। लेकिन अब मुझे ज़रा ये बताइए, अभी तक तो देखिए ये सब कुछ के बारे में ना अभी भी हम ये नहीं कह सकते ना बिल्कुल वसूख के साथ, कतईयत के साथ, लेकिन एक बात तो ज़रूर है, अगर खुदा ना खास्ता वाकई डाटा लीक हुआ है, इसके असरात क्या हो सकते हैं, इसका नुकसान क्या हो सकता है, ये ख़तरनाक है अगर तो किस कदर, एक आम सारिफ के लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए। देखें इसमें जो बताया जा रहा है डिफरेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक कि CNIC, NTN और आपका जो पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन है वो उसमें लीक होती है। फिर आप ये देखें कि के इलेक्ट्रिक के जो APIs होती हैं, सिस्टम्स होते हैं, वो इंटीग्रेट करते हैं मुख्तलिफ बैंकिंग चैनल्स के साथ पेमेंट पर्पसेस के लिए। तो वी आर नॉट श्योर कि किस एक्सटेंट तक डैमेज है, किस एक्सटेंट तक नहीं है। ऑब्वियसली जब भी कोई ब्रीच होगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ब्रीच होती है, तो वो बड़ा उनके लिए आसान है कि वो क्लेम कर दे कि ब्रीच नहीं हुई। ठीक है, जब तक कोई इंडिपेंडेंट इसके अंदर इंक्वायरी नहीं होगी तब तक आवाम के सामने फैक्ट्स नहीं लाए जाएंगे, क्योंकि ये पब्लिक डाटा है, मेरा डाटा है या आपका डाटा है, अगर कंज्यूमर डाटा है कि ये कंज्यूमर का डाटा है, वो डाटा किस तरह का हो सकता है, उसमें ID कार्ड नंबर होगा, उसमें नाम होगा, मोबाइल नंबर भी शायद होगा, ये डाटा ऐसा है कि जिससे वाकई कंज्यूमर को, एक कस्टमर को नुकसान हो। देखें इन्होंने तो तर्दीद की है कि कंज्यूमर का डाटा नहीं है। इनकेस अगर फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर का डाटा है तो आपके लिए हो सकता है कि आपकी आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन टेररिस्ट के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स क्या करते हैं, वो लेजिटिमेट लोगों की IDs को यूज़ करके अपने प्रोपागेंडा की, अपनी डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन्स करते हैं और अपनी रिक्रूटमेंट कैंपेन्स करते हैं, और उनके लिए उनको लेजिटिमेट अकाउंट चाहिए होते हैं। और ऑब्वियसली जब आपकी आइडेंटिटी, आपका ID क्लेट से ID कार्ड की कॉपी है, आपके पासपोर्ट की कॉपी है, हमारे पास ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं, हमने देखे हैं केसेस के, उनको इस्तेमाल करते हुए फेसबुक के अकाउंट्स को रीसेट किया गया है, उनको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अकाउंट्स को टेक ओवर किया गया। तो आपके लिए हो सकता है कि आपकी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, और अगर के इलेक्ट्रिक का डाटा हो तो किसी का इंटरनल डाटा अगर हो, देखें कंपनी का इंटरनल डाटा हो, उसके अंदर क्या कहते हैं कंज्यूमर का डाटा नहीं भी हो, तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि कोई डाटा प्रोटेक्शन का लॉ नहीं है। कोई डाटा प्रोटेक्शन का लॉ हो जो कि मैंडेट करे कंपनीज को कि वो ट्रांसपेरेंटली बताएं। अब के इलेक्ट्रिक इज़ नॉट बाउंड बाई एनी लॉ कि वो ये बात करें कि जी हमारा जो डाटा है वो किस तरह का डाटा जो है ना वो लीक हुआ। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें कानून साजी होनी चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट है, और इस पर रेगुलेटर कोई होना चाहिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, नेशनल साइबर सिक्योरिटी यूनिट होना चाहिए, जो इस तरह के जितने भी साइबर अटैक्स होते हों जिसमें जनरल पब्लिक से रिलेटेड डाटा हो उनको इन्वेस्टिगेट करें और लोगों के सामने फैक्ट्स लेकर। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा ही है तो इसका सीधा सा मतलब ये कि सिर्फ के इलेक्ट्रिक नहीं, कोई दूसरी कंपनी, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी हो सकता है या रहा ऐसा, थोड़ा सा क्विकली बताइए, बस 10 सेकंड। देखें के इलेक्ट्रिक के बाद ऑब्वियसली ये वेव स्टार्ट हो गई है कि साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो और ऑर्गेनाइजेशंस को भी टारगेट करेंगे, और हम देखेंगे इन फ्यूचर जो है। ठीक राफे, थैंक यू सो वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। 10 सेकंड कहते आपने, 7 सेकंड से वक्त बड़ा कम है, मैं तेजी से आगे बढ़ जाता हूं। डे आउट विद रेंजर्स, इसके हवाले से मेरे पास एक खबर है, किरण मैं चाहूं साथ फुटेज भी प्ले कर देते हैं। हम एक स्कूल एंड कॉलेज के बच्चों को बेसिकली लेकर गए थे रेंजर्स की तरफ से, इनको लेकर गए थे। एग्जैक्टली किरण, ये पाकिस्तान रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल का दौरा कराया गया था। मकसद था कि नौजवान नस्ल को दहशतगर्दी के तदारुक के हवाले से आगाही फराहम की जाए, और जो कराची ऑपरेशन में सिंध रेंजर्स की जानिब से किए गए इकदाम हैं इनसे उनको आगा किया जाए। ब्रीफिंग्स भी दी गई इनको, कराची ऑपरेशन के मस्बत नतायज अमन की सूरत में नजर आ रहे हैं, ये जाहिर बताया गया स्टूडेंट्स को भी, और ये ऐसे विजिट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और किरण यहाँ पर ना दो बड़े मजे की चीजें हुई थी, शूटिंग एंड सैडल क्लब का दौरा भी कराया गया और हॉर्स शो एंड कैमल राइड शो। अरे हम कहाँ थे, इसका मुजाहरा पास आउट क्यों कर गए थे हम लोग? मेरा ख्याल इनको चाहिए दोबारा ऐसा इवेंट करें और हमें लेकर जाए वहां पर, वी वांट टू गो एज वेल, वी लव टू। जल्दी से वापस आए, अगला घंटा जो है ना वो आपके लिए है और आपका है, ये सोफा हमारा, स्टूडियो हमारा, मसला आपका, और उसको सॉल्व करने के लिए डॉक्टर बिल्कीस हमारे साथ देंगे, डॉक्टर ईसा होंगे हमारे साथ, हकीम रजा इलाही साथ होंगे, और आपके कॉल्स होंगे। एग्जैक्टली, लहसन से हम इलाज करेंगे और मुख्तलिफ कुछ करेंगे, मसाइल का हल आपके सामने लाएंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस घंटे में आपके मसाइल होंगे हल और एक चुन्नी मुन्नी चीज से, ठीक है, कुछ ऐड भी कर देंगे उसमें, लेकिन लेसन के साथ कुछ चीजें ऐड कर देंगे। एनीवेज जी, हम बात करेंगे अगर बाल गिर रहे हैं तो आपने कैसे बाल गिरने से बचाने हैं, ब्लड प्रेशर कैसे अपना रेगुलेट रखना है, वजन कैसे आपने कम करना है, ग्लोइंग स्किन चाहिए तो क्या करना है। हमारे साथ होंगे डॉक्टर ईसा, हमारे साथ होंगे हकीम रजा इलाही और हमारे साथ होंगे हम सबकी फेवरेट डॉक्टर बिल्कीस भी, और इनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या करने जा रहे हैं आज। अच्छा, हमने एक आधा चीज आपको बता दी है, लेकिन बाकी चीजें आपके किचन से, आपके करीबी दुकान से सहूलत कैसे कैसे आपको मिल सकती है, आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो जब आप कॉल करेंगे तो दो बातें ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा आप किस पॉइंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, किससे बात करना चाह रहे हैं, वैसे तो पैनल है, और ये भी याद रखिएगा कि प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम रखिएगा। उसके बाद में आपके लिए अपना मसला सामने रखना आसान और हमारे पैनलिस्ट के लिए बताना उससे भी ज्यादा आसान हम कर लेंगे। तो क्योंकि हमने अनाउंस तो कर दिया, डॉक्टर बिल्कीस, डॉक्टर ईसा और हकीम रजा इलाही साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा था क्योंकि डॉक्टर ईसा ने वो मंच संभाल लिया है तो हम उनकी तरफ चलते हैं, लेकिन साथ बुला भी लेते हैं, आपा को भी बुला लेते हैं, बिल्कीस साहब प्लीज आप भी आ जाइएगा, चाय पी लें, कोई बात नहीं, और इलाही साहब को भी बुला लेते हैं, इधर कैसी है, चलिए प्लीज, माशाल्लाह गुड। मुझे कपड़े पता है कहाँ से बनवाए डॉक्टर बिल्कीस ने, बहुत अच्छा सूट है, आई एम लविंग इट। तो भाई हम क्या करने जा रहे हैं, ये तो डॉक्टर ईसा बताएंगे, मैं पूछने जा रहा हूँ कैसे डॉक्टर ईसा जी। लहसुन के वैसे तो मतलब बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, मतलब खुद लहसुन जो है अगर एक दाना उठाएं तो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है जिसके अंदर आपको विटामिन बी से लेकर विटामिन सिक्स, फिर उसमें आपको जिंक पोटेशियम वगैरह, यानी कि विटामिन्स का खजाना एक लहसुन का दाना है। और मेरे ख्याल में कोलेस्ट्रॉल के लिए बेस्ट है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बर्न करता है, हार्ट वालों को फ़ायदेमंद, ब्लड प्रेशर वालों को फायदेमंद, लेकिन मैं बना रहा हूँ बालों के मसाइल। ओके, आप बालों पे, लेकिन मैं बिल्कीस साहब आपसे एक सवाल खुद से करना चाह रहा हूँ, बिकॉज हमने गुज़स्तर उस बात की गैस्ट्राइटिस की और उसमें हमें ये बताया गया एक न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ से कि जिसको भी गैस्ट्राइटिस है वो लहसुन का इस्तेमाल ना करे, वो अदरक का इस्तेमाल करे। आप क्योंकि आज हम लहसुन की बात कर रहे हैं इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपका इस पर क्या ओपिनियन है। कच्चा लहसुन बिल्कुल नुकसान पहुँचाए। ओके, कच्चा लहसुन, जैसे लोग जो सुबह सुबह कच्चा लहसुन उतार लेते हैं उनको अल्सर है या गैस्ट्राइटिस है, तो लहसुन उनके लिए फिर नहीं है। यानी किसी भी फॉर्म में बिल्कीस आप मतलब कि कच्चे से मतलब है कि जैसे उसको पकाया हुआ नहीं है, पकाया है तो मसला नहीं है, पकाया है तो मसला नहीं है, पकाया है तो वो दवा बन जाएगी। अगर हमारे यहाँ है कि दो जवे लहसुन सुबह उठते ही कच्चा कच्चा खा लेते हैं तो अगर अल्सर के पेशेंट या गैस्ट्राइटिस के पेशेंट खाएंगे तो फिर उनको उस, क्योंकि इसमें और भी ऐसी चीजें होती हैं जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है। डॉक्टर से तो हमको बालों के बारे में बताएंगे लहसुन की मदद से, आज आप क्या बताएंगे स्किन के लिए बताएंगे। मैंने इसलिए पूछ लिया जो कॉल्स करे वो चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें। आप हमें बताइए आप क्या करेंगे आज। अच्छा, आज हम करेंगे हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, जो है कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती इसको नॉर्मल करेंगे लहसुन से। यानी आज का अगर नया दिन देख रहे हैं, ये पूरा घंटा आप देख रहे हैं, तो फिर इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। बस सिर्फ कॉल करना होगा मेरे ख्याल से इसके लिए, बस यू जस्ट हैव टू कॉल अस। और फिर उसके बाद अगर आपका मसला है कि बाल गिर रहे हैं तो हम बताएंगे, ग्लोइंग स्किन आपको चाहिए, स्किन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो ज़रा बिल्कीस आप, वैसे तो हम और जो पैनल में मौजूद हैं उनसे भी राय लेंगे इस पर। और फिर कोलेस्ट्रॉल, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है आजकल, वैसे भी गुस्सा करे तो बंदा कहता आपके ब्लड प्रेशर हाई, यानी कोलेस्ट्रॉल का एक मामला है, ब्लड प्रेशर का दूसरा मामला है, इनको भी हल करने की हम कोशिश करेंगे। तो अगर इजाज़त हो किरण तो एक हम टोटके से स्टार्ट कर लें। इजाजत है, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी, आपको देखना चाह रही हूं। स्टार्टिंग फ्रॉम द हेयर फॉल, डॉक्टर ईसा पहला ये जो है क्या? पहली रेसिपी जो हम बना रहे हैं ये हेयर फॉल के लिए। इजाजत ऐसे मांगी थी ना जैसे सुनते हो सारी बातें। हेयर फॉल के लिए, ताकि वो अपने घर के किचन से ऐसा क्या करें कि हेयर फॉल उनका, और ये आजकल हर घर का एक मसला है। हेयर फॉल के लिए बेहतरीन एक तरीका और आसान तरीका है, हमने इसमें तीन ऑयल मिक्स किए हुए हैं। ओके, कैस्टर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है और कोकोनट ऑयल है। ओके, खोपरे का तेल, कैस्टर ऑयल और जैतून का तेल, इक्वल तीनों इक्वल ले लें आप, 25-25 ग्राम लेके तीनों को आप मिक्स कर लें। ठीक। अच्छा, इसके अंदर आपने जो ऐड करना है, अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो ऑयल को उसी हिसाब से बढ़ा दें। ठीक। अगर ज्यादा बना के रखना चाहें, जिसके बहुत लंबे बाल है, तो ज्यादा बनाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, इसके अंदर फिर आपने लहसुन के
हाँ, 6-7 जवे जो है, 6-7 दाने लहसुन के पेस्ट बनाकर ओके इसमें आपने ऐड करना है। ठीक। और एक छोटा सा प्याज ले लें, ओके इसको क्रश कर लें। प्रेफरेबली सफेद प्याज लें या कोई प्याज, प्याज भी ले लें, कोई भी प्याज ले लें। मैं कहती हूँ सफेद, मेडिकल में बेसिकली वो दवाइयों में सफेद प्याज ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ओके लेकिन प्याज कोई भी हो। तो ये हम जो चीजें मिक्स कर रहे हैं, आप इसमें देखें सिर्फ हमने लहसुन और प्याज डाला है, इसको हल्की आंच पर पकाना है। ठीक है। पकने के बाद लहसुन और प्याज इसमें जल चुके होंगे। ठीक। आपका तेल तैयार हो चुका होगा, आप इसको ठंडा करके बोतल में डाल दें। ओके। आप हफ्ते में एटलीस्ट 3 एप्लीकेशन बालों के रूट्स में ओके लगाकर 2 घंटे मिनिमम, मैक्सिमम कोई मसला नहीं। ठीक। तो इतना लगाकर फिर आप वॉश कर लें। ओके। लेकिन बालों वालों लोगों को सबसे ज्यादा जो ख्याल रखना चाहिए, मजे से कहे बालों वालों को, बालों बेसिकली मेल फीमेल दोनों हैं, तो वो मैं इसमें चाह रहा था कि जिनके भी बालों के मसाइल होते हैं, अल्लाह ताला ने हमें बनाया तो मट्टी से, जमीन को जब भी पानी प्रॉपर नहीं मिला फसलें खराब होंगी, तो पानी का इंटेक पूरा रखें अपनी एज के लिहाज से। सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, रात की नींद अच्छी होनी चाहिए। एक छोटी सी बात, सॉरी आपकी बात कर दी ना, एक छोटी सी बात बताइए, जिसका हेयर फॉल हो रहा होता है ये मैंने देखा है, उसको ना बाकायदा वो भागने लगता है शैम्पू से, मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि वो शैम्पू का इस्तेमाल कम, बालों को धोना कम हो जाता है, शैम्पू के प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हैं, इसको यूज कितना करना चाहिए? देखें बेसिकली प्रॉब्लम उस वक्त होता है जब लगाने वाले को पता ही नहीं है। नेचुरोपैथी में जितनी भी चीजें होंगी नॉन केमिकल, वो कभी आपको नुकसान नहीं कर सकती। ओके। यानी कि आप अगर हर्बल में हैं उसमें केमिकल नहीं होते, इसलिए वो झाग भी ज्यादा नहीं बनाता। सही। हम झाग के तौर पर उसमें रीठा डालते हैं, उसका बाकी बालों में कोई काम नहीं होता, आंवला सिका का ये सब। ये तो अब उससे अगर आप धो रहे हैं, ये जरूर है कि वो ड्राई बालों को ज्यादा सूट नहीं करता, लेकिन मार्केट में बहुत सारे शैम्पूज हैं मुख्तलिफ जिनमें बहुत मिनिमम केमिकल्स होता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे कि बेबी शैम्पू। बेबी शैम्पू। चलिए एक कॉलर है हमारे साथ, मदीहा फ्रॉम कराची। मदीहा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मदीहा प्लीज बताइएगा किन से सवाल करना चाहेंगी? डॉक्टर बिल्की से सवाल करना है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर, मुझे ये मालूम करना है कि स्किन पर ना थोड़े से जैसे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, मींस कि ब्राउन हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ये डार्क स्पॉट्स ऐसे ही हो जाते हैं या दाने निकल के होते हैं? आपकी उम्र क्या है मदीहा? मेरी 30 इयर्स। 30 इयर्स, ठीक है। यानी दाने जब खत्म होते हैं तो वो ब्राउन, फिर उसके बाद डार्क ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ये कह रही हैं आप? नहीं नहीं, पिंपल्स नहीं होते, जस्ट ये कि ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं। मोल्स की बात कर रही है, फ्रैकल्स की बात कर रही है? उभरे हुए होते हैं, उसको हाथ लगाएं तो उभरे हुए होते हैं, ऐसा लगता है स्किन के साथ अंदर ही अंदर है। जी 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 जी, स्किन के साथ। स्किन के साथ, ठीक है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, इनकी बात कंप्लीट कर लें, मैं बता दूँ बस अगली रेसिपी। अगली रेसिपी जाने से पहले अच्छा मैं बता देती हूँ, आपने क्या करना है, प्याज का अर्क निकालना है, और प्याज का अर्क निकाल के एक पोटली बना लें, उसमें सफ़ेद जीरा डाल दें थोड़ा मोटा मोटा कूट कर, उसको पोटली को बंद करके प्याज के अर्क में डुबो के रखें, फिर उसको जो है जो सफ़ेद ज़ीरा प्याज में डूबा हुआ है वो आपका एक टूल की तरह है, उसको ये जो आप कह रहे हैं ना ब्राउन स्पॉट से फ्रैकल्स हैं दूर दूर होते हैं और उस बटरफ्लाई पैच बना हुआ होता है, तो आप उस पर हल्का हल्का सा उसको रब करें। देखिए स्किन आपकी है, आपने उसको प्रेशर से नहीं करना है, हल्का हल्का करना है, वो सुपरफिशियल लेयर में होता है। इससे इस अमल से आप हफ्ते में 3 बार करेंगे तो आस्ते आस्ते वो लाइटन अप हो जाएगा और फिर वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन इसके लिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करें जब आप धूप में जाते हैं। ओके, बेहतरीन। एक और कॉलर है फैसलाबाद से, इमरान हमारे साथ हैं। इमरान, पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, किसके साथ कर सकते हैं प्लीज़ बताइए। इमरान फैसलाबाद से, इमरान हमारे साथ हैं। इमरान, किस से बात करना चाहेंगे? डॉक्टर बिल्कीस भी हैं, डॉक्टर ईसा भी हैं और हकीम साहब भी हमारे साथ हैं। आई थिंक आज वो हुआ है मेरे साथ जो शुएब के साथ होता है ना, कॉल ड्रॉप हो जाती है। कोई बात नहीं, एक लाइन ड्रॉप हो गया, डजंट मैटर। चलिए जी, आज मैं ये बता दूं कि आज किसी के साथ कुछ हुआ है। ही इज वेरी पॉजिटिव टुडे, ही इज पॉजिटिव टुडे, ही इज पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप, इनका कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। ट्रंप और खातून एवर मेलानिया
कोरोना टेस्ट कराने के बाद क्वारंटीन हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर पैगाम में अपनी मुशीर और करीबी साथी इनको भी कोरोना वायरस की तशखीस की खबर शेयर की थी। अरे इस कदर वो गर्मा गर्म बहस हुई थी अभी की तो बात है, तो मतलब उन सबको भी क्वारंटीन करना पड़ेगा? करना पड़ेगा और साथ ही टेस्ट कराने पड़ेंगे। अच्छा, टेस्ट कराएंगे ये, तो ये जरा से अगर धमाके की खबर आ जाए, शोर शराबे की खबर आ जाए तो ये भाग खड़े होते हैं, लेकिन कोरोना के मामले में ये बड़े गैर मोहतात थे। अब थोड़ा मोहतात तो होना ही पड़ेगा, इनको भी होना पड़ेगा मोहतात, और इनके आसपास इनके सर्कल में जो लोग पिछले चंद दिनों में रहे, एग्जैक्टली जो बाइडेन एज वेल, कई अरसा तक वो डिनाई करते रहे मास्क पहनने। जी जी, वो डिनाई भी करते रहे, उन्होंने तो सर कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी दी थी जिनकी वजह से बहुत ज्यादा तनाज़ात खड़े हुए थे। एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम दिस लाइटर नोट, गेट वेल सून ये तो हम बिल्कुल कहेंगे। चलिए जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं बालों से मुतालिक, बालों के मसाइलों, स्किन के इश्यूज हों, वो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। वी हैव अ कॉलर विद अस, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल करना चाहेंगे? जी मैं आरीवाला से बात कर रहा हूँ। ओके अब्दुल्ला, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी मैंने ये शाइयों के बारे में पता करना था जो चेहरे पे बनती हैं। ठीक है, डॉक्टर बिल्किस से सवाल है छाइयां, तो फिर मैं जब उधर आ जाऊंगी तो बता दूंगी सवाई की। ठीक है, चलिए तो वापस कमिंग बैक टू ईसा भाई, बिकॉज ही इज हियर, तो ईसा भाई प्लीज हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम जा रहे हैं गंजपन के लिए। ओके, अच्छा, गंजपन में भी लोगों को फीमेल मेल को दोनों को ये ख्याल रखना चाहिए। ज्यादातर जब मेल्स के बाल खत्म हो जाते हैं और वहाँ स्किन बिल्कुल चिकनी है, तो इसका मकसद ये है कि ज़मीन ने अपने पोर्स बंद कर दिए या फसल नहीं उगेगी। ओके, वो बाल जहाँ हल्के हल्के रुएँ मौजूद हैं, इस गंजपन में ये काम करेगा। ये दोनों लोग अलग होते हैं, एक बिल्कुल बेचारे वो इसकी स्किन चिकनी हो गई है, अब ये आप सर्जरी केस हैं। यानी कि अगर आपके रूट्स मौजूद हैं तो आप आराम से अपना घर में इलाज करें, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको किचन में जाना है, एक अदद प्याज आपको क्रश करना है, और इसके बाद आपको 8-10 दाने लहसुन के चाहिए। इसका पेस्ट आपने, जैसे हमने प्याज का पेस्ट बनाया हुआ है, लहसुन के 8-10 दानों का पेस्ट लें, पहले इस दोनों चीज़ों को फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद इन दोनों चीज़ों को कलौंजी ऑयल में डालकर आपने पेस्ट बनाना है। वो कैसे बनेगा, मतलब इसको बस मिक्स कर लें? लहसुन और प्याज जब आप फ्राई करते हो तो वो ड्राई हो जाएगा, वो तकरीबन एक किस्म का पाउडर बन जाता है। ओके, आपने उसको कलौंजी ऑयल में ऐड करके और पेस्ट मिक्स कर लेना। अब आपने अपने रूट्स में जैसे मेहंदी लगाते हैं, ऐसे आपने स्केल्स पे लगाना है, और वो पेस्ट लगाकर आपने 1 घंटा रखना है। ओके, हफ्ते में 3 दफा करेंगे। ये कंजपन के लिए कोई भी एज का बंदा सर मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर फोरहेड की हम बात करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फोरहेड चौड़ा हो जाते हैं, जैसे हमारे भी साइड से ना बाल जाना शुरू हो गए, तो ये इसका क्या मतलब है? हेयर फॉलिकल्स गॉन, सर्जरी केस हो गया है? हाँ नहीं, अगर आप मैं सामने देखूं जहाँ बारीक रूट नजर आ रहे हैं तो ये पॉसिबल है रीग्रोथ होना। अच्छा, अगर मैं थोड़ा और नजदीक आ जाऊंगा तो वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं है। ओके, तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ सर्जरी ही होगी और कुछ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है यू नो, मतलब स्किन को देख कर उसके बाद जो है, लेकिन इसका फायदा ये कि आप जो हजारों रुपए खर्च करते हैं, आप घर में अल्लाह ताला की नेमतें हैं, आप उसको इस्तेमाल करें। ये भी कैसे डॉक्टर साहब कि जब आपके बाल गिर रहे हैं उसी वक्त टोटका कर लें, बजाय ऐसे कि पहले वो सारे बाल झड़ जाएं और बिल्कुल खत्म हो जाएं? अच्छा, बिल्कुल ये कि मेरा एक अपना जो, जैसे मेरे पास कोई आए अगर वो कहे कि मेरे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ऑफकोर्स उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं बाल भी घने कर लूँ, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता घने करने के लिए। पहले हेयर फॉल को रोकें, जब आपके रूट्स इतने वीक हैं तो जब आपके बाल स्ट्रांग होंगे नेक्स्ट स्टेप आप जाएं जहाँ हेयर ग्रोथ हो, पहले हेयर फॉल को जरा सा रोकें। यस, आप मुझे रोकना चाहेंगी यहाँ? मैं आपको बिल्कुल रोकना चाहूंगी। कॉलर हमारे साथ है, मेरी बड़ी पुरानी कॉलर है, मिसेस मुगले आजम लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आज बहुत अच्छे के बाद मैं आपके दरबार में फिर हाजिर हुई हूँ। अजी आपका दरबार है। अच्छा देखें, इतने दिनों के बाद में ना, अब चूंकि ये मौका बना है तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कुछ अपने बारे में, नए सिरे से पॉसिबल है? दरअसल मुल्क के हालात ऐसे हैं कि रियासत जो थी ना, वो जो वजीर आजम और मुगले आजम और बादशाह आजम जो थे ना, ये एक्चुअली नाम ऐसे है ना कि इनके साथ बहुत सारे मसले मसाइल चलते रहते हैं, तो मैं मसरूफ थी। सबसे बड़े जो है ना वो मेरे जेठ हैं, उनका नाम है संजय आजम। सिकंदर आजम, ओके, चंद्र आजम, और सेकंड जो है वो है बादशाह आजम। Okay. फिर उसके बाद आते हैं वजीर आजम, और फिर मेरे जो है आपके तो अपने घर में वजीर आजम है। मैं तो बड़ी इस वक्त अपने घर में वजीर आजम, तो खैर अपने घर में इस्लामाबाद में है। Okay. लेकिन मैं लाहौर में हूँ, मैं मुगले आजम के साथ बड़ी सेट हूँ, और वो आज तक मुगले आजम जो है ना
कमाल कमाल, अल्लाह आपको हमेशा सेट रखे, खुश रखे। अब प्लीज बताएं कि आज किस मसले की वजह से कॉल किया आपने, किस मसले पर आप राय लेना चाहेंगी हमारे पैनल से? मैं, मेरे साथ थोड़ा सा इशू ये है कि मेरे जो बालों का मसला है ना, अच्छा हो गया कि आज मैंने कॉल की और ये जो टॉपिक था तो बालों के हवाले से बात करना चाहती हूँ कि मेरी ना ग्रोथ रुक गई है, बालों की लेंथ रुक गई है। ओके, यानी बाल हैं लेकिन लेंथ का इशू है, लेंथ रुक गई है और वो वेट भी कम हो गया बालों का ना। अच्छा, नहीं यानी फिर हेयर फॉल वाला इशू भी है, बाल कम रह गए हैं और लेंथ छोटी है, तो हम बिल्कुल रिस्पॉन्स लेते हैं डॉक्टर ईसा से। मेरे ख्याल में बहन को वहाँ से आसानी से मिल जाएगा एग ऑयल। ओके, अच्छा एग ऑयल, अगर बाल आपके थिन है तो उसका तरीका लगाने का ये होगा, अगर आप लंबे भी करना चाहते हो, चाहते हैं बाल थोड़े मोटे भी हो जाएं, तो जितना आपने एग ऑयल लिया है उतना ही नीम गर्म पानी पहले मिक्स कर लें, उसको मिक्स करने के बाद आप रूट्स में भी लगाएं और बालों को भी लगाएं, और तकरीबन 1 से 2 घंटा, थोड़ा स्मेल ही होता है। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नेबर वाला आपको तंग नहीं करता तो आप रात में भी लगा सकते हैं, नहीं तो 2 घंटे लगा के आप धो सकते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं मुगले आजम कुछ नहीं कहेंगे अगर वो रात को लगा के सोना भी चाह रही हैं। दूसरा एक जो इशू बालों में आ रहा है वो स्प्लिंट हेयर, जो दो मुंह वाले बाल। एग्जैक्टली, जब से दो मुंह वाले लोग हमारे मुल्क में बढ़ रहे हैं, ये बालों के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। ये एक ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो हमारी बहनें बच्चियां बाल काट देती हैं क्योंकि नीचे आपको, तो इसके लिए मैं आपको जो बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ वो भी आप घर में कर सकते हैं और बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। आपको चाहिए क्या उसमें? इससे पहले कि आप इसको स्टार्ट करें, एक और वो कमेंट करना चाह रही हैं, कुछ सवाल ऐड करना चाह रही हैं मिसेज मुगले आजम, प्लीज बताइएगा। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड की भी इसी तरह है, तो वो मसला सिर्फ मैं दोनों लगाइएगा वो तेल। वैसे अगर वो जो मैंने पहले गंजपन पर बनाया था वो इनके हस्बैंड को ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि मेल्स में ये होता है कि उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बनिस्बत खवातीन के, वो गंजपन की तरफ। डॉक्टर ईसा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये हमें गिफ्ट कर रहे हैं ना, आप भेजिए ना, आप मुगले आजम रिक्वेस्ट कर रही हैं। मेरी बहन, मेरा ये बना के मैंने रखे, इनके हवाले कर दिया, ये आपको पहुंचा देंगे, मतलब लाहौर हम लेकर जाए अब। अच्छा, ये शाही हेयर ऑयल है। चले, नाम भी दे दिया, ये शाही हेयर ऑयल है। शाही हेयर ऑयल, ठीक है, ये तो मेरे लिए बहुत परफेक्ट हो गया। ये पूरे खानदान के लिए, जिसको जो मसला होगा आपने बताना, ये दो मुंह के बाल है या बाल छोटे हैं, बाल नहीं है, आई मीन कम रह गए, नहीं है वाली बात मैं वापस लेता हूँ, बाल कम रह गए हैं तो आप ये लगा सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ जिनके दो मुंह वाले बाल हैं। ओके, एक प्याज लेना है, ठीक है, और उस प्याज को आपने चॉप करना है बिल्कुल बारीक। आपने एक प्याज डालने के बाद 6-8 दाने आपने लहसुन के लेने, ठीक, उसको भी आपने चॉप करना है। उसके अंदर आपने आधा गिलास पानी डालना है। ओके, आधा गिलास पानी, यानी कि आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि आपने एक छोटा सा प्याज लिया और उसको बारीक चॉप किया और लहसुन के 6-8 दाने लिए, इसको आधा पानी में गिलास में डालकर इसको हल्की आंच पे पकाएं, ठीक, जब ये पेस्ट बन जाए और फिर आप जो दो मुंह वाले बाल हैं पीछे पूरे बालों को लगाकर 1 घंटा रखें, ठीक, 3 एप्लीकेशन के बाद ये बनने का अमल ही बंद हो जाए। क्या बात है, सिर्फ 3 एप्लीकेशन, जबरदस्त है डॉक्टर ईसा, थैंक यू। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है जनाब, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर ईसा वहां होंगे, डॉक्टर बिल्किस यहां पर होंगे, स्टे विद अस, वी विल कमिंग बैक। वेलकम बैक। हेयर फॉल, स्किन इश्यूज एंड कोलेस्ट्रॉल, आज हम इसकी बात कर रहे हैं और लहसुन के साथ कुछ चीज़ें मिला के कुछ हम टोटके भी कर रहे हैं आप, क्योंकि डॉक्टर बिल्किस यहाँ पर आ चुके हैं। इससे पहले कि हम टोटके की तरफ बढ़ें, वी हैव अ कॉलर विद अस, सुमेरा फ्रॉम साहिवाल। सुमेरा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुमेरा, क्या सवाल करना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ना मेरे खराब हो जाते हैं। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही सुमेरा, दोबारा से सवाल कीजिएगा प्लीज। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे हाथों के जो नाखून है ना, जी वो खराब हो जाते हैं, मेरे पास पड़ जाती है और स्वेलिंग हो जाती है, बहुत सारा दर्द होता है उसमें। अच्छा। और भी नाखून खराब हो जाते, खत्म हो जाते हैं। मैं कुछ पूछूंगी, अब पूछ लीजिए। अच्छा देखिए सुमेरा, ऐसा होता है कि आपके जब नाखून बढ़ते हैं वो गोश्त में चले जाते हैं, साइड पेन ग्रोन्स तो नहीं हो रहा, जैसे नाखून गोश्त में चले जाते हैं उसके बाद पस पड़ना शुरू होती है? जैसे वो पूरे नहीं, वो पक जाती है। अच्छा देखिए,
एक तो ये है कि इनग्रोन्स कहते हैं जिसे आपका ये नाखून बड़ा वो गोश्त में चला गया अंदर, आपने काटा नहीं, उसके बाद पस पड़ना शुरू हो गया, बहुत तकलीफदा होता है. वो अंगूठे के साथ, पाँव के अंगूठे के साथ भी हो सकता है और हाथों के साथ भी हो सकता है. अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको ख्याल रखना है कि नाखून का काटना, इसके लिए सबसे बेहतरीन है सुरमा, मीठा सुरमा, ठीक है. या आप घर में सौंफ को तवे पर जला लें, पीस लें, पाउडर बना लें. पाउडर बनाने के बाद आप उसको शहद में मिक्स करके आपने लगाना शुरू करना है. अगर रीज़न आपका इनग्रोन्स है तो उसके लिए सुरमे से बेहतरीन कोई दवा नहीं है. अच्छा, वैसे अगर पस आ जाता है नाखून या ग्रीनरी आ जाती है, अंदर अंदर पस आ जाता है, तो ये फंगस है. उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है सना के पत्ते. आपने ये करना है, तकरीबन 7-8 दाने सना के पत्ते लेने हैं, उसको 1 कप पानी में उबाल लेना है. उबालने के बाद उसको आप छान लें. छानने के बाद इसमें प्योर सिरका होना लाजमी है. 3 से 4 कतरे सिरके के डालें और 1 चम्मच शहद डाल दें. ये आपकी दवा बन गई. उसमें आपने नाखूनों को डिप करना है. अच्छा, ये है फंगस और आपने इसको मल्टीपल टाइम डिप करना है. अगर डिप नहीं कर सकती तो आप क्या करें, इसको स्प्रे बॉटल में बना के रखें. मुसलसल पूरा दिन आपने स्प्रे करते रहना है. इस सूरत में आपको डिटर्जेंट किसी भी कंपनी का हो उससे बचना है, तो आपने ग्लव्स पहनना है. अगर आप मतलब अपने रोज़मर्रा के काम कर रही हैं तो आप इस तरह करेंगी. और अंदरूनी इलाज कोई भी अच्छा खून साफ़ी, चराइता है, चराइता, शहात्रा, गुलमुंडी, ये जो है आप पीस कर पाउडर बना के रख लें. इसमें से 1 चम्मच जो है रात को मिट्टी के प्याले में डाल के रखें, खोलते गर्म पानी में. सुबह इसको छान कर पी लें. अगर आपको शुगर लो नहीं होता और आप थायराइड की दवा नहीं लेती हैं, तो अगर थायराइड की दवा लेती हैं, खुदा ना खास्ता शुगर लो हो जाता है, तो फिर आप नाश्ते के 2 घंटे बाद पीजिएगा. ये एक ऐसा अमल नहीं कि 1-2 दिन में आप सही होंगी. ये मुसलसल आपको 1-2 साल करते रहना पड़ेगा. नया नाखून आएगा, फंगस ख़त्म होगा. फंगस का मतलब है मल्टीप्लाइज के सेल्स इतनी जल्दी होते हैं, इसीलिए आप नाखून निकलवा भी देंगी तो ये सही नहीं होगा. इसका परहेज़, गंदम नहीं खाएंगी और गंदम की जगह आप किनवा खाएंगी और बकवीट लेंगी, और मीठा बिल्कुल भी नहीं, फ्रिजी ड्रिंक्स ये सब नहीं करेंगी, तो इंशाल्लाह फिर आप सही हो जाएंगी. इंशाल्लाह. मैं अगले कॉलर पर जाने से पहले बिल्कुल क्विकली आपसे पूछना चाह रही थी, ज़बान पर फंगस, एक तो ये कि इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, समझना बहुत मुश्किल होता है, दूसरे ये कि ब्रशिंग से ही सही हो सकते हैं या क्या कर सकते हैं? थोड़ा अपना मैदा सही करेंगे तो ज़बान का फंगस सही होने में आपको मतलब कि आपके सही हो सकता है. इसके लिए नमक सुबह कितना नमक आपने माश की दाल के बराबर, पिंक सॉल्ट, सुबह उठते ही पहला, अगर ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं है तो आपने अपनी जबान पर रखना है. आप इससे देखें कि आपको कितना फायदा होता है. डॉक्टर बिल्किस, कुछ बच्चों को भी ये होता है, जियोग्राफिकल टंग कहते हैं इसको, उसमें क्या होता है, जैसे जिराफ होता है ना, उसकी तरह मतलब के अलग अलग वो पैचेस से आ रहे होते हैं, वो अलग ट्रीटमेंट है. बिल्कुल है, वो भी प्लीज अगर बता दें तो. वो उसका होम्योपैथिक में फिर सिम्टम्स के साथ दवाएं दी जाती है. और कैलेंडुला यानी गेंदे के फूलों का अर्क आता है, कैलेंडुला क्यू पावर में आता है, उसको पानी में डाल के गागल जरूर करें. अगर बच्चा पी भी लेता है तो वो इतनी ऐसी बेज़रर दवा है कि इसका कोई नुकसान नहीं है. जबरदस्त. अगली कॉलर सैयदा उम्मे हबीबा हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से. क्या सवाल करना चाहेंगी आप? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बल्कीस, एवरीवन, सबको सलाम मोहब्बत. प्रॉब्लम क्या था? मेरा सवाल ये है कि मेरा ना यूरिक एसिड भरा हुआ है और मेरी हड्डियों में, टांगों में, जिस्म में बड़ी दर्द होती है, कंधे एकदम ऐसे खींचे जाते हैं मेरे. ठीक है, रज़ा इलाही साहब, मेरा ख्याल है आप अगर इसका जवाब दें तो. अच्छा, इसमें यूरिक एसिड, एक और बात है कि मेरे बेटे और बेटी को मुसलसल 3-4 दिन हो गए बुखार चढ़ता है, उतर जाता है. मेडिसिन दे रही हूँ, चेकअप करवा रही हूँ, दिन को ठीक रहते हैं, रात को इनको बुखार चढ़ जाता है. चलिए पहले यूरिक एसिड का जवाब. यूरिक एसिड के हवाले से एक तो ये कि आपको किसी भी तरह का गोश्त जो है उसको बंद कर दें 1 मिनट के लिए, 1 महीने के लिए. अंडा भी बंद कर दें, प्रोटीन नहीं लें. और दूसरी बात यह कि इसमें बड़ा आसान सा नुस्खा है, आप दालचीनी आपके किचन में होती है बिल्कुल, और काला ज़ीरा, एक तो है सफ़ेद ज़ीरा, एक काला ज़ीरा होता है, और काला ज़ीरे में भी ज़ीरा किरमानी. अच्छा, जो खुशबूदार ज़ीरा. हाँ, खसूस खुशबू वाला होता है वो ज़ीरा. ज़ीरा किरमानी ले लें 50 ग्राम, दालचीनी ले लें 100 ग्राम,
इन दोनों को अच्छी तरह से पीस लें, बारीक कर लें। इसका आधा चाय का चम्मच सुबह शाम आप इस्तेमाल करें, अब पानी के साथ आप ले लिया करें, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। महीना भर के बाद आप यूरिक एसिड टेस्ट कराएंगे तो इंशाल्लाह वो ठीक होगा। और बुखार का जो मसला रहा, ये इस वक्त चूँकि बारिशें हुई हैं, आलूदगी ज़्यादा हो गई है और पानी की वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा है, अब इसमें मलेरिया बिगड़ कर फिर टाइफाइड की शक्ल इख्तियार कर रहा है। खसूसन ज़ईफ़ुल उम्र लोग और बच्चे इससे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, और हामला ख़वातीन भी इससे मच्छर से ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। तो इसका बेहतरीन हल एक तो ये है कि आप ले लें लीमू का रस, तकरीबन एक अदद लीमू का रस ले लें, 100 ml आप लें अरके गुलाब, 30 ग्राम उसमें ग्लिसरीन मिला दें। ये ऐसा एक लोशन बन गया आपकी बॉडी पे, लगाएं इसको, रिपेलेंट बन गया। हाँ, और इससे मच्छर जो है आपकी बॉडी से दूर रहेगा। और अगर खुदा ना खास्ता, चलिए बात भी मुकम्मल करें, साथ में ये भी बता दीजिएगा अगर खुदा ना खास्ता वाकई मलेरिया हो गया फिर क्या क्या करना चाहिए। हाँ, बड़ी आसान सी चीज़ है, उसके लिए आप नोट कर लें, गिलो, अजवाइन देसी, ये दोनों चीज़ें आप बराबर वजन ले लें। बच्चा है तो आधी चम्मच रात को भिगो दें पानी में, या अगर बुखार तेज़ है तो आप आधी चम्मच लें, एक कप पानी में पकाएं, जब आधा कप रह जाए उसको छान लें, अगर शहद मुयसर हो तो उसमें ठीक डाल लें। फॉर दैट टेस्ट जरूर पहले करा लें कि ये जो बुखार है ये अच्छा है? एक ये जो वेदर चल रहा है, मैं चाहूंगा कि लोगों के घरों में कलौंजी का ऑयल होना चाहिए। ओके, अगर बड़ी उम्र है तो वो हाफ टी स्पून में चंद लेमन के कतरे डालें, 2-3 एप्लीकेशन में बुखार खत्म हो जाता है। बच्चे को 1/4 टी स्पून दे दें। ठीक है, इससे पहले जो यूरिक एसिड की बहन थी उसे दो चीजें मैं और मना करूंगा। एक तो वो दालें ना लें, खासतौर पर लाल मसूर की दाल जो होती है और लाल लोबिया, बाकी बहुत अच्छी माश की दाल, चने की दाल। अच्छा, ये ठीक है। एक बिल्कुल और बात आप ना क्विकली बता दीजिएगा, जब मलेरिया से रिकवर होके उठते हैं वीकनेस बहुत रहती है, थोड़ा सा उसके बारे में आप दोनों मुझे ना मशवरा दे दें। अल्लाह की तरफ से बेहतरीन एक मशरूब है टॉनिक है हमारे लिए, शहद। इससे बढ़कर कोई टॉनिक नहीं है दुनिया में। आप इसका एक चम्मच सुबह शाम लें, पानी में मिला कर दें, बेहतरीन है। मलेरिया से उठने के बाद ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक के ज़्यादा इस्तेमाल से भूख मर जाती है, भूख खत्म हो जाती है। उसमें आपने ये करना, एक चम्मच आपने शहद लिया, एक कप पानी लिया और 2-3 ड्रॉप उसमें लीमू निचोड़ दें। ठीक, और ये आप सुबह शाम इसे भूख भी बढ़ेगी, भूख भी बढ़ेगी। कुछ बच्चे अगर खाना पीना उनका सही नहीं है तो भूख बढ़ाने के लिए भी ये दे सकते हैं। ठीक है, अगली कॉलर की तरफ चलते हैं, इमरान फ्रॉम फैसलाबाद। इमरान, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल करना चाहेंगे? वालेकुम सलाम, भाई क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं अपना हकीम साहब से बात करना चाहता हूँ, मेरे बच्चों के ना जिस्म पे और सर पे दाने बने हुए हैं रेड से, ना खारिश हो रही है। जी जी। अच्छा, ये भी वायरल चल रहा है अभी, खारिश का भी है ना? जी जी जी, फैसलाबाद में बहुत वायरस है सर। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। हाँ, ये बहुत आसान सी रेसिपी है, आप वेजरीन ले लें, 30 ग्राम आम पेट्रोलियम जेली मार्केट से मिल जाती है, 30 ग्राम की वो ले लें, और उसमें 3 ग्राम गंधक आंवला सार डालें, 3 ग्राम उसमें काफूर डालेंगे, 3 ग्राम उसमें काली जीरी पनसार से मिलेगी। ओके, जीरा काली जीरी, ये कड़वी होती है। ये 3 ग्राम ये लें, इन चीज़ों को तीनों को अच्छी तरह से बारीक पीस के वेजरीन में मिक्स कर लें। ओके, इंशाल्लाह 3 से 5 बार आपने लगानी है पूरी बॉडी पे, लगाने शाने गायब, बिल्कुल इंशाल्लाह। जबरदस्त, चले जी, अब मेरा ख्याल एक रेसिपी की तरफ चलते हैं, फ्रॉम ग्लोइंग स्किन। जी, ग्लोइंग स्किन और अभी एक्ने, पिंपल, दाने, ये सब होता है, तो लहसुन जो है उसमें एक सब्सटेंस है, उसको कहते हैं सल्फर, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा गंधक, तो आप क्या करें, घर से अगर आपने करना है आपने लहसुन को जला लेना, तवे पे बिल्कुल जला लें, जला के उसको पीस कर पाउडर बना लें, काला स्याह कर लें, जलाते बिल्कुल काला स्याह कर लें, कोयला बना लें, कोयला बना दें। ठीक है, ठीक है, कोयला बनाकर फिर आपने क्या करना है, वैसलीन में मिला लेना। ठीक, उसको वैसलीन में मिलाकर फिर जहाँ जहाँ दाने हैं आप वहाँ लगाएं, उससे बहुत फर्क पड़ता है, पिंपल्स के लिए भी, उसके निशान के लिए भी है। जी, और नीम के पत्ते ले लें और लहसुन को चॉप कर लें, और आपने उसको 2 लीटर पानी में उबाल लें, फिर उसको छान लें, उससे रिंस करें, आप देखें कि आपके दाने आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाएंगे, और इंटरनली ग़िज़ा का ख्याल करें, बड़ा गोश्त नहीं खाएं, मीठा नहीं खाएं, जो वायरल चला हुआ है उसमें आपने अगर परहेज़ नहीं किया, आप कुछ भी लगाएंगे दाने मुरझाते रहेंगे, दोबारा आते रहेंगे, मुरझाते रहेंगे, दोबारा आते रहेंगे, तो इस चीज़ का ख्याल रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपकी किडनी भी डिटॉक्स हो, और जैसे मैंने चरायता, शहात्रा और गुलमुंडी बताया है, वो जो है बच्चों को भी आप शहद में मिलाकर चटा भी सकते हैं, इजीली मिल जाता है, आराम से मार्केट में मिल जाता है,
ठीक है। अच्छा, अब दोबारा हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। प्लीज़, अब लहसुन का एक और फ़ायदा होता है बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चों की भी स्किन बहुत ख़राब होती है, जैसे न्यू बॉर्न बेबीज़ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ रही है, कफ, और ये जो मौसम चल रहा है, पिंपल्स भर गए, पिंपल्स भर गए हैं, कफ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों के लिए लहसुन बहुत अच्छा होता है। उस शक्ल में क्या करना है, बच्चों की स्किन बहुत डेलिकेटेड होती है, तो आपने लहसुन को धागे में पिरोकर सिर्फ उनको पहना देना। जैसे जैसे लहसुन सूखता रहेगा, की माला, जी बिल्कुल, लहसुन का ऑयल भी कह डाला अच्छा, इसका ऑयल बनता है कब बनता है, जब आप जैसे लहसुन को आप लाके उसको छीले नहीं और उसको अपनी टोकरी में डालकर आप ऐसी जगह रख ले, ना ज्यादा धूप पड़ती है ना, वो आस्ते 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 वो पीला होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, उसमें जो है ना ऑयल बढ़ता चला जाएगा, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जब ऐसा हो जाए तो उसको आपने पीस लेना, ठीक, पीस लेना वो उसको, जब आप पीसेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें थोड़ा सा ऑयल है। ओके। उसके बाद इसको सरसों के तेल में मिलाकर, जिन बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, स्किन ख़राब रहती है, तो आपने सबसे पहले शुरू करना है उनके पाँव से, पाँव के तलवों में ये वाला, जैसे सरसों के तेल के साथ आप इनको लगाएं, तो टिकलिंग होगी बच्चों को, तो बिल्कुल हंसेंगे मुस्कुराएंगे, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ों के साथ मच्छर भी दूर भागते हैं। ओके। तो आप ये कीजिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है, और यही चीज़ जो है, अगर बच्चों के सर पे बड़ा फंगस आ रहा है तो आप उस पर भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर निलहाने का भी तरीका होता है, उसके बाद बच्चों के आँखों में नहीं जाना चाहिए, आपने जो निलहाने का तरीका है, जिससे आपने वो करना है कि वो आँखों में ना, ठीक है, उस तरह आपने निलाना है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और ये जो सरसों के तेल के लिए कहते हैं, ये फेड कर देता है कॉम्प्लेक्शन, ऐसा वाकई होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी गलत कहते हैं ये लोग। देखिए एक बात सुनो, आप कोई भी तेल लगाकर धूप में जाएंगे आप फेड हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी पहलवान हैं वो सरसों का तेल लगाकर धूप में बैठते हैं, और मैंने आज तक कोई गोरा पहलवान नहीं देखा। ढूंढना पड़ेगा, नाम से तो मिल जाएगा गोरा पहलवान, नहीं मतलब कि वो उनका है कि वो कुश्ती वगैरह करने के लिए, माजरत के साथ, लेकिन वो धूप में बैठते ताकि जिसम मजबूत। ओके, डॉक्टर प्लीज मुझे प्लीज ये बताएं कि ये एक मसला मुझसे किसी ने शेयर किया, तो आई थॉट टू आस्क यू, बच्चों को जो जिस तरह आजकल मौसम, ये नज़ला, जुकाम, खांसी है, और फिर डॉक्टर कहते हैं कि अगर ज़्यादा खांसी है, ज़्यादा सांस उखड़ रहा है, तो न्यूबलाइज करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, न्यूबलाइज नहीं करवाते, उनके लिए कोई टोटका बताएं कि आसानी से वो। देखिए मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है, जब बच्चे सो जाएं, जी जी, पुराना तरीका अपनाएं, ओल्ड इज गोल्ड, आपने क्या करना है, स्टील की पतीली को में पानी को गर्म करें, ठीक है, जैसे अगर उसमें बबल्स आ गए, वो बॉयल हो रहा है, ढका हुआ है, उसके बाद जब बच्चा सो रहा है, आपने कमरा सारा बंद किया, उसमें आपने डालना है अजवाइन, ओके, लौंग और सफेदे के पत्ते, अजवाइन, लौंग, सफेदे के पत्ते, आपने मुट्ठी भर भर डाला, डालने के बाद भी उसको ढकना है ताकि इन्फ्यूजन अच्छा हो जाए, ठीक है, उसके बाद आप उसको खोल दें, और हर कोई अपने घर में सॉल्ट लैम्प रखे, अगर बच्चे हैं, पिंक सॉल्ट लैम्प, बिल्कुल बेहतरीन है, उसी के उससे जो है ना, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो जितना मतलब कि जो जिससे ड्राइनेस होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी सारे फायदे आपको देता है। तो लैंप जो है पिंक सॉल्ट लैंप ढूंढ के लाना पड़ेगा, बिल्कुल आसानी से हर जगह अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि अवेलेबल नहीं है, वो नेगेटिव एनर्जीज भी एब्जॉर्ब करता है सब आपकी, जी बिल्कुल ऐसा भी है, पिंक सॉल्ट के बारे में तो वैसे भी कहा जाता है, एनीवेज इसीलिए मैंने कहा कि अगर टंग में भी कुछ हो जाए या कोई ऐसी बीमारी आपको समझ नहीं आ रही है, तो आपने माश की दाल के बराबर सुबह अल्लाह शाफी अल्लाह काफी कह के जबान पे रखे, उसको खा जाए, लेकिन एक घंटे तक आपने फिर कैफीन नहीं लेना। ओके, कोई चाय कॉफी नहीं, ठीक है जी। वी हैव अनदर कॉलर, अमजद अली फ्रॉम कराची। अमजद, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल करना चाहेंगे और किससे करना चाहेंगे? मुझसे नहीं करना डॉक्टर साहब, ईसा से बात करनी है हमें, प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ डॉक्टर साहब, ये एक दो सवाल है मेरे। एक तो सवाल ये है कि मेरी बच्ची को बहुत ज्यादा कब्ज है, और उसके साथ उनको ब्लड वगैरह गोश्त भी निकल आया है तकरीबन 8-10 साल से, और 25 साल एज है, तो ये बहुत ज्यादा जो है ना उसको तकलीफ, कभी कभी ब्लड भी आती है ज्यादा। अच्छा, मैं जैसे ना गोश्त निकल आया है, पाइल्स भी हो गया है। जी जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी बच्ची जो है थोड़ा सा खाना खाती है, उनका पेट भर जाता है। हाँ, खाना बहुत कम खाती है, पेट तो नहीं, भूख तो होती है। पानी का इंटेक, पानी का इंटेक भी उनका कम होगा। पानी ज्यादा पीती है, बहुत ज्यादा पीती है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप घर से इंशाल्लाह इसका करें। अच्छा जी, देखें पाइल्स के लिए उसूलन जो है वो आपको
जो भी आपके नियरेस्ट हकीम हो, हिकमत में इसका बेहतरीन इलाज है, ज़रूर जाना चाहिए आपको। मेन टाइम पर आप अपनी बच्ची के लिए सिर्फ ये करें कि तीन ऑयल आप ले लें, जिसमें से एक आपने लेना है ऑलिव ऑयल, फिर दूसरा मतलब जैतून का तेल, बादाम का तेल और कैस्टर ऑयल, ये तीनों ऑयल आपने लेने हैं और एक टेबलस्पून उनको आपने दूध में पिलाना है। मेन टाइम पे उनका बड़ा गोश्त और फिश, ये दोनों चीज़ें ख़ास तौर पे, वैसे तो अंडा भी, लेकिन ख़ास तौर पे ये दो चीज़ें तो आप बंद कर दें और ये इस्तेमाल करें। इनसे कॉन्स्टिपेशन और पायल के मसले भी हल होंगे और फिर थोड़ा सा आप फिज़िकली जब बेटी को किसी भी डॉक्टर जहाँ मुनासिब समझते हैं उनका चेकअप ज़रूर कराएँ, क्योंकि पायल्स जो है बाद में एक बड़े मसाइल पैदा करता है। ठीक, डॉक्टर बिल्की साहब भी ऐड करना चाह रही हैं इसमें कुछ? जी, मैं ये ऐड करना चाह रही हूँ क्योंकि आपने क्या करना है, लहसुन की पर प्रोग्राम हो रहा है तो आपने लहसुन को चॉप करके उबाल कर छान कर उसमें बिठाएं ज़रूर, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे मेरे भाई ने तीन तेल बताए, ये तीनों तेल मिक्स करके रात सोने से पहले नाफ में भी ज़रूर डालें। जब आप पहले दिन डालेंगे तो आपने आपको लगेगा कि ज़्यादा नाफ तेल ऑयल जो पी रहा है, दूसरे दिन तीसरे दिन कम होता चलेगा। जब तक नाफ के जो है ऑयल को एब्जॉर्ब करना बंद ना कर दें, तब तक आपने करना है, जब एब्जॉर्प्शन उसकी बंद हो जाए उसके बाद सिर्फ कॉटन बर्ड से घुमाना है। आप ये भी करके देखिएगा और इंजीर जो है उसको बिल्कुल पीस कर पाउडर बनाकर जैतून के तेल में मिलाकर रखें। ये ऐसे पाइल्स के पेशेंट के लिए टॉनिक है, इसको एक चम्मच सुबह शाम दूध में डाल के लाजमी दें। ठीक है, मिसेज रजाक फ्रॉम मुल्तान, अब इनको इनकी कॉल आ चुकी है तो हम इनका भी सवाल ले लेते हैं। मिसेज रजाक, गुड मॉर्निंग, प्लीज सवाल कीजिएगा। जी, वालेकुम सलाम। सर, मैं डॉक्टर बिल्कीस से बात करना चाहती हूँ। प्लीज, डॉक्टर बिल्कीस इज लिसनिंग। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, मुझे ना एलर्जी है, यानी कि ना 15 साल से है, 14-15 साल से। अच्छा, मेरे ना नाक में जलन सी होती है और पिट्ठू के कभी नाक बंद हो जाता है, कभी बहना शुरू हो जाता है। तो मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, ना इस्लामाबाद मैंने वैक्सीन भी यानी कि करवाई है 6 माह, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उनसे देसी जैसे कि जहाँ भी किसी ने बोला है ना वहाँ गई हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी, अगर आप कोई इलाज बता सकते हो तो आप बता दें। अब मेरी 3 बच्चियाँ हैं, एक की उम्र 15 साल है, एक की 12 साल 6 साल, उनको भी ये बीमारी लग रही है मेरी। अच्छा, नाक में जलन सी होती है, छींके आने शुरू हो जाते, गले में खराश, इंशाल्लाह हल तो अल्लाह के पास है, मैं कोशिश करूंगी। मसला ये कि आपका मसला जो है 15 साल पुराना है, इसमें मुझे हिस्ट्री लेना लाजमी है। सही है, कोई भी चीज़ आपने कहा मैं इतने सालों से इलाज करा रही हूँ तो मैं कोई ऐसे रेंडमली आपको नहीं बता सकती जो आपको फ़ायदा दे। तो इसके लिए पहले वाले का नंबर में मुझे नैयर ने नहीं दिया था, अभी का आपका भी नंबर मैं कह रही हूँ। नैयर भाई ऐसे मिल जाए तो मैं शिकायत लगा दी है भाई, आपने नैयर भाई की नहीं, फिर मतलब के बोलेंगे कि मैंने कॉल नहीं की ना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं आपको कॉल करके आपसे हिस्ट्री लेना जरूरी है। नैयर भाई आप इनका नंबर नोट कर लें और पिछला नंबर भी आप डॉक्टर बिल्कीस को दे दें। ठीक है, एक चीज ऐड कर लूंगा क्योंकि ये वेदर भी है और एलर्जी वाकई एक ऐसा मसला है, लेकिन सेफ साइड कोई हिस्ट्री नहीं है, बच्चा है बड़ा है, जो सब यूज़ कर सकते हैं, गुले बनफशा, गुले गावजमा, उनाब, सौंफ, गुलमंडी, थोड़ी सी मुलेठी, इन चीज़ों का ऐसा पाउडर बना लें जैसे चाय की पत्ती होती है मोटा मोटा। ओके, एक कप पानी उठाएं, एक चमची डालें, 2-3 जोश आएगा, कहवा बन जाएगा, छान लें। अगर शुगर नहीं है तो आप शहद डालें, और शुगर है तो फीका पिए, दिन में 1-2 दफ़ा इस कप को पी लें तो ये एलर्जीज को रिलीव करेगा, छींके वींकों को रिलीव करेगा। ठीक है, हकीम रजा इलाही साहब, अब आप जरा आ जाएं इस टेबल पर और हम जरा आपसे सीख पाएं ताकि कोलेस्ट्रॉल के लिए आज आप कौन सा टोटका करेंगे। मुझे पहले जाना पड़ेगा मेरा कल सब्जी की दुकान पे। सब्जी की दुकान पे? हाँ, चीजें लानी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, हम आपसे गपशप लगा लेते हैं। सब्जी की दुकान अभी यहाँ पे करीब करीब नहीं है तो जा नहीं सकते, जाएंगे। चीजों को फौरन मैनेज कर देना। यस, आई लाइक दिस। ये वैसे हर खातून की किरण आदत होती है जनरली। मेरा मतलब कि चीजें की आदत है बताना, रैग है वो। फिर अब हम नेक्स्ट शो के लिए रख लेते हैं या मेरे YouTube पे जाके कुछ बता दे। यस, आपके YouTube पे। हां, अगर कुछ आप इंक्लूड करना चाहें प्लीज बता दें। मार्केट से कोई भी फेस वॉश वगैरह कुछ भी लाते हैं, जैसे
मेरे पास नेचुरलाइज का पड़ा है और आपको लगता है कि आपके कोई भी फेस वॉश आपको सूट नहीं करा, तो लहसुन पाउडर जो है आप अपने फेस वॉश में मिला लें एक चम्मच, ठीक है? तो वो भी आप उससे फेस वॉश करें, देखिए उससे भी फर्क पड़ेगा। ओके चले जी सर, आप तो क्विकली सब्जी दुकान पे गए, लेकर आ गए, बड़ी अच्छी सब्जी की दुकान है, बड़े तरीके से उन्होंने आपको चीजें दी है, बिल्कुल और उतनी ही दी जितनी यहाँ पर यूज हो जाए। अच्छा बात, हमने हांडी पका लेनी थी आज, है ना? चलिए प्लीज। अच्छा बात ये, चूंकि दवाइयाँ खाना जो है वो दिक्कत है लोगों को, बिल्कुल है ना, तो ये एक ऐसी चटनी मैं बता रहा हूँ आपको, तिब्बी चटनी, लहसुन की चटनी। क्या बात है। अच्छा, इसके इस्तेमाल से ये होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक होगा, आपने लिपिड प्रोफाइल करवा लेना है इसको इस्तेमाल करने से पहले, ठीक है? और आप इस्तेमाल करने के बाद भी कराएं ताकि आपको मालूम है कितना फर्क पड़े। लिपिड प्रोफाइल करा लिया, आ गए हैं जनाब बॉर्डर लाइन पर, अब क्या करें? हाँ, अब आप ये करें कि आप इसमें लेंगे लहसुन, लहसुन ले लें आप इसमें तकरीबन 3 से 4 जो है, ओके ठीक है, मैं बता दूं आपको, वैसे ही मेरा ख्याल है टाइम कम है ना, हाँ, बहुत कम, 3 से 4 जवे आप ले लें लहसुन के, ठीक है? और 1 चम्मच अनारदाना लेंगे, उसमें 1 बड़ी इलायची लेंगे, थोड़ी हेल्प भी 4-5 आप दाने जो है आलू बुखारे के ले लें, और 1 बड़ी इलायची इसमें ऐड करेंगे, मुट्ठी भर पुदीना, ठीक, मुट्ठी भर पुदीना, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मुट्ठी भर पुदीना, 1 बड़ी इलायची, 1 चम्मच अनारदाना, और इसके साथ अपना 3 से 4 जवे लहसुन के, ये सारी चीज़ें आप लेके इनको अच्छी तरह से पीस लें, ये चटनी बन जाएगी। ये चटनी आप जो है वो नाश्ते में चट कर जाएं, चट कर जाएं, और अच्छी दस्तरखान पे अच्छी रहेगी, मैदे का निजाम कर सकते हैं पराठे और चपाती के साथ में भी। और दूसरी बात ये कि बाज़ ऐसे पेशेंट हैं जिनको एच पायलोरी है, जिनको अल्सर की शिकायत है, वो भी इस तरीका से चटनी का इस्तेमाल कर सकते सर, हैं। कल क्योंकि अभी हमने बात की कि इलायची है, ओके आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन कल हम क्योंकि इसी पर बात कर रहे थे, मैंने पहले भी सवाल किया गैस्ट्राइटिस पे भी अल्सर पे भी, तो कहा गया कि अगर ये स्टमक इश्यूज हैं तो ना ही मिंट यूज किया जाए और ना ही लहसुन यूज किया जाए, और आप ये दोनों चीजें मुझे कह रहे हैं यूज करने का, थोड़ा सा प्लीज जो है ना जी जी कोई भी लेगा, अगर उसको नहीं भी है तो बना देगा, हमेशा नाश्ते के बाद अगर एक दाना आप लहसुन का लेते हैं आपको कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है? ये जब निहार मूल लहसुन लेते हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर ऑलरेडी वो एसिडिटी वाला पेशेंट है या उसको तो प्रॉब्लम आएंगी, तो मेरा ये ख्याल है कि निहार मूल लेना एहतियात होना चाहिए, और इसका नाश्ते के बाद इसका जो कॉम्बिनेशन है अगर वो उन्होंने कहा कि जी एलोवेरा के साथ में बनाए तो फिर कैसा, फिर क्या? एलोवेरा के साथ लहसुन, एलोवेरा के साथ कुछ और ऐड करके अगर आप एच पाइलोरी या गैस्ट्राइटिस के लिए यूज करें, अल्सर्स के लिए यूज करें, हाँ बिल्कुल आसान से, उसका बड़ा आसान सा तरीका है, आप एलोवेरा का जो पत्ता है उसका लेस निकाल दें सारा और साइडों से काट दें और उसके थोड़े थोड़े से पीस बना के रख लें, 2-3 घंटे के लिए धूप में रखें, सही, वो उसका लेस सारा खत्म हो जाएगा, वो ऐसे बन जाएगा जैसे पत्ता। अब वो पत्ता ले लें आप, उसमें थोड़ी सौंफ डालें, 1 इलायची डालें, थोड़ी सी गुलकंद डालें, वो खा लें, ये हर्बल पान बन गया एलोवेरा का, हर्बल चटनी, हर्बल पानी, अच्छा था, जो अल्सर है वो वैसे ही ठीक हो जाएगा, बेहतर हां इंशाल्लाह। आप कुछ इंक्लूड करना चाह रहे थे? मैं बस ये कह रही थी कि एलोवेरा सूदिंग तो होता है, लेकिन वो भी अगर बाज लोग खाली पेट खाते हैं तो उनको भी बॉदरेशन हो सकती है, तो हर चीज देख कर, जैसे अभी इनमें अनार दाना डाला हुआ है, मिंट डाला हुआ है, और ये खाने के साथ खा रहे हैं तो इसलिए ये कभी भी नुकसान नहीं करेगा, तो ये चीजें की, और ये चटनी बहुत मशहूर है और बहुत पुरानी, बड़ी इलायची है इसमें, छोटी इलायची भी डाल सकते, हाँ बेहतरीन है। और ये क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के साथ प्रॉब्लम क्या क्या होती है, एक चलने से सांस फूलती है, कार्डिक जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ऐसे कार्डिक केयर भी ये चटनी इस्तेमाल करें, ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छी है। पैनल हमारे साथ था, कॉल्स आपकी थी, प्रॉब्लम्स आपके थे, हमारी एक छोटी सी एफर्ट थी, कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया लेकिन इजाजत तो नहीं जा सकती, अल्लाह हाफिज़ तो कहा जा सकता है। अल्लाह हाफिज़।